सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले जो हमारा क्लास 11 फिजिक्स से जो हमारा चैप्टर थर्ड आ जाता है मोशन इन अ प्लेन, उसके हम करने वाले एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको पता चल जाए एग्जामिनेशन में आपको आंसर किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, वो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा ताकि एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप उसको क्या इजिली सोल्व कर पाओ। साथ साथ मतलब कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो इस चैप्टर के हमने रिविजन वीडियो बनाई हुई है, साथ साथ जो न्यूमेरिकल की टाइप वाइज वीडियो बनाई हुई है वो आप जरूर देख ले ताकि आपको जो एनसीईआरटी के जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें जो हम फॉर्मूले यूज करेंगे, जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी हर एक चीज को तो बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल सिंपल और बेस्ट वे में हम समझ के ही चलेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो जी शुरू कर दे। देखो हमारे पास यहाँ पर चैप्टर आता है, आपके सामने स्क्रीन भी शो हो गई होगी, ठीक है। हमारे पास चैप्टर आता है चैप्टर 3, इसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर आता है मोशन इन अ प्लेन, इसमें बेसिकली दो चीजें आती है, एक तो हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा आता है हमारे पास वेक्टर्स, उसी से मिलते जुलते हमारे पास बेसिक क्वेश्चन आएंगे। बाकी बहुत आसान आसान एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी आसान आसान ही होते हैं। चलो जी शुरू करते हैं। देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है वो बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और वेक्टर। मीन्स आपको कुछ उसने फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, इसमें आपको बताना है कौन स्केलर और कौन वेक्टर है। देखो आपको पता है स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलते हैं स्केलर, और जिसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी क्या हो डायरेक्शन हो और साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे वो फिजिकल क्वांटिटी, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कितना हो गया, फॉर एग्जांपल आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब एक आपका वॉल्यूम है किसी कंटेनर का या फिर किसी बॉक्स का, इतना वॉल्यूम है। तो सिंपल इसमें मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा स्केलर हो गया। दूसरा आता है हमारा मास। मास में भी मान लो किसी बॉडी का मास 50 kg है तो सिंपल मैग्नीट्यूड रिक्वायर है, तो आपका ये भी क्या हो गया एक स्केलर हो गया। नेक्स्ट आपकी आती है स्पीड। स्पीड देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये भी क्या होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट आता है एक्सीलेशन। एक्सीलेशन क्या होता है, एक्सीलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये आपका क्या होता है एक्सीलेशन होता है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी यूज हुई है, अब वेलोसिटी क्या होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सीलेशन भी हमारा क्या हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम दोनों ही एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डेंसिटी भी हमारी क्या होगी एक हमारी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट वो कहता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर क्या होता है, फॉर एग्जांपल 50 है, 15 to 10 की पावर 23, इतने मेरे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, तो सिंपल इसमें तो कोई भी डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया स्केलर हो गया। नेक्स्ट आता है मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम पहले ही समझ के चलेंगे, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वेलोसिटी भी मेरा क्या हो गया, वेलोसिटी भी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपकी ओमेगा जो हो गई आपकी एफ फ्रीक्वेंसी हो गई, तो उसमें कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सिंपल आपका रेडियन वो भी जो आपके कितने मीटर पर सेकंड कितने टर्न्स पर सेकंड वो ले रहा है, तो उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपका क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अभी समझा था एक क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी देखो यहां पर आती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है, क्लियर है पॉइंट। चलो जी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वो बोलते हैं पिक आउट ऑफ द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट, मींस इसमें से आपकी कुछ स्केलर क्वांटिटीज है वो आपको बतानी है। देखो फोर्स, फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स आपका किसके इक्वल होता है एम ए के इक्वल होता है, और यहाँ पर मास इंटू एक्सीलेशन आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपका होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी यूज हो रहा है। वेलोसिटी क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर वो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी क्या हो जाएगी एक वेक्टर क्वांटिटी हमारी हो जाएगी, तो फोर्स तो हमारी स्केलर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, p is equal to mv, मतलब अगर नॉर्मल वाला मोमेंटम देखते हैं तो उसमें भी वेलोसिटी आती है, और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें वो भी हमारी क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वर्क, वर्क तो देखो आपको किसके इक्वल होता है, वर्क टन इज इक्वल टू फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क कितने फोर्स लगे कितने डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क भी क्या हो जाएगा आपकी वर्क में क्या आ रही है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस आ रही है ना, हाँ, तो एफ बी और ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो गया, तो ये हमारी वर्क, वर्क की हमारी क्या होती है कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वर्क हमारा क्या होगा स्केलर होगा, तो ये आपको स्केलर कर लेना ये वाला।
वर्क हमारा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट आता है करंट। करंट भी हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो करंट की जो होती है वो डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट क्या होता है आपका सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। तो आपका करंट आ गया। लीनियर मोमेंटम तो अभी देखा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होती है, हमारी सिंपल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें भी हमारी क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो हमारा क्या होगा, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो सिंपल डायरेक्ट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, चाहे वो पूरी प्योर वेलोसिटी हो, तो वो तो हमारी वेक्टर ही होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपका क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी तो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर वर्क और आपका करंट क्या होगा, दो स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्लियर है। चलो जी, करंट किस लिए होता है, क्योंकि करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होती है, बट वो क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है पिक आउट ऑफ द ओनली वेक्टर। इसमें आपको बतानी है कौन वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जैसे सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें तो कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो स्केलर हो गया। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर ये क्या चीज होगी, ये भी आपका प्रेशर, प्रेशर में आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आपका किस तरह प्रेशर लग रहा है, कोई इसमें डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट टाइम, मतलब छोटे से टाइम के लिए आपका फोर्स लग रहा है, और फोर्स यहाँ पर है, फोर्स किसके इक्वल होता है, वही आपका एम में, एस में आ गया, तो ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इंपल्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसे टाइम, टाइम तो आपका मान लो 10 सेकंड है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है। पावर, पावर भी किसी इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टोटल पाथ लेंथ मतलब कि आपका बेसिकली डिस्टेंस, वो भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी, सिंपल स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आपकी क्या होगी, स्केलर। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो भी आपका सिंपल एक मैग्नीट्यूड ही हो गया। तो सिंपल इसमें आ जाता है आपका, इंपल्स आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। मतलब कि उसने कुछ हमें अपने स्केलर्स और वेक्टर्स के कुछ आप हमारे रिलेशंस दिए हुए, तो हमें बताना है वो मीनिंगफुल है भी या नहीं। जैसे उसने बोला सबसे पहले एडिंग टू स्केलर्स, मतलब दो स्केलर्स को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 सेकंड प्लस का 100 सेकंड, तो मैं इनको प्लस कर सकता हूँ, 1 10 सेकंड आ जाएगा, तो ये सेम मीनिंगफुल है। तो पहली चीज मतलब ए वाला मेरा मीनिंगफुल आ गया। उसने बोला एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, मीन्स जो सेम डायमेंशन है एक वेक्टर, और जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट और प्लस का क्या कर दूं, डिस्टेंस ऐड कर दूं, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, ये मीनिंगफुल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड होगा, एक्चुअल लेंथ ऐड होगी, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं होगी। या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी में जो आपकी स्पीड है वो ऐड नहीं होगी, वो एक मीनिंगफुल चीजें नहीं होती, क्योंकि एक वेक्टर होगा एक स्केलर होगा, तो ये मतलब कि आपकी कोई डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं होगी, आपका कोई वेक्टर का डेफिनेशन ही यहां पर नहीं बनेगी, तो बी आपका नॉन मीनिंगफुल हो गया। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर। हाँ, ये हो सकता है आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई से, जैसे आप क्या निकालते हो, वेलोसिटी निकालते हो, तो वेलोसिटी में आप क्या निकालते हो, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई आप किससे करते हो, टाइम से करते हो, तो ये तो आपका वेक्टर होता है, ये आपका एक स्केलर होता है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कुछ एक एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपका सी क्या हो गया, मीनिंगफुल हो गया। ऐसे इसने बोला मल्टीप्लाइंग टू स्केलर्स, टू स्केलर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 10 मीटर को आप अपना 15 मीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा, तो ये भी मेरा क्या हो गया, मीनिंगफुल हो गया, ठीक है। मतलब ये डी वाला, एडिंग टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो यस दो वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी आपका ऐड हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट प्लस का डिस्प्लेसमेंट आपका ऐड हो सकता है। नेक्स्ट आता है एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर टू द सेम वेक्टर, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको दो वेक्टर, एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, वेक्टर में सेम वही वेलोसिटी में आपको नेक्स्ट वेलोसिटी ऐड करनी है, तो ये भी क्या हो गया, मीनिंगफुल आपका हो गया। तो बस इसमें आपका क्या है, ये वाला स्केलर और वेक्टर का सम आपका मीनिंगफुल नहीं होता, बाकी आपके सारे क्या होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। क्लियर है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। उसने बोला रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन, आपको रीजन देना है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स, फॉल्स है, साथ साथ आपको बताना उसका रीजन भी, ठीक है। उसने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, मतलब कि जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक स्केलर होता है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, 50 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी होगी इन नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो ये तो डायरेक्शन होगी, बट ये जो 50 है, 50 तो आपका सिंपल एक मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड तो आपका स्केलर ही होता है, उसकी तो कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन तो अलग से डिफाइन होती है, तो ये बात आपकी क्या होगी, पहली बात सही होगी। उसने बोला ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर is always a scalar, means हर एक component vector का क्या होता है, scalar होता है, तो ऐसा हमारा क्या है,
जरूरी नहीं है कि जो हर एक कंपोनेंट होगा वेक्टर का, जैसे r इज इक्वल टू आई जे प्लस का k ऐसे हमारा होता है, तो उसमें जरूरी नहीं है हर एक कंपोनेंट हमारा क्या होगा स्केलर फॉर्म में होगा, ठीक है। चलो, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर। जो टोटल पाथ लेंथ होती है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए से लेके बी तक जा रहे हो तो ये ए से लेके बी तक स्टेट वाली चीज तो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, होगा। अगर आप किसी भी पाथ से जा रहे हो उसको बोलेंगे डिस्टेंस, तो ये जरूरी नहीं है आपस में इक्वल होगा। ये मतलब कि जो आपका डिस्टेंस हो सकता है वो आपका हमेशा ग्रेटर और इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। उसने कहा है कि जो एवरेज स्पीड, ठीक है, जो आपकी एवरेज स्पीड है, ठीक है, वो बड़ी हो सकती है, इक्वल हो सकती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो बात ये वाली सही है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड में आप अपना डिस्टेंस लेके चलोगे और डिस्टेंस इक्वल और ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, तो इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कि एवरेज स्पीड क्या होगी, बड़ी हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। फिर इसने बोला कि थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। उसने बोला थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन, मतलब कि एक प्लेन में नहीं है, कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर, उन तीनों को ऐड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, चेक करें एक बार, ये हमारे पास, हाँ, उनको सिंपली ऐड तो कर ही सकते हैं ना, मतलब वो सेम अगर प्लेन में नहीं है तब भी ऐड तो हम कर ही सकते हैं। जैसे थ्री वेक्टर्स विच डू नॉट लाइन अ प्लेन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अ सेम ऑर्डर, मतलब उनको सेम ऑर्डर में नहीं ले सकते। तो उसने क्या बोला था, थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ सेम प्लेन कैन नेवर ऐड अप, कैन नेवर ऐड अप, मतलब कि उनको, उसने बोला ऐड नहीं कर सकते, ऐड तो सिंपली हम कर सकते। तो ये भी हमारा उल्टा पढ़ लिया हमने, थ्री वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर बी एड अप, हाँ, उनको ऐड नहीं कर सकते। अगर वो सेम प्लेन में नहीं है तो मतलब उनकी डायरेक्शन भले अलग अलग हो, बट उनको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। ऐड क्यों नहीं कर सकते, अगर वो सेम प्लेन में नहीं है तो हम उनको क्या कर सकते, हम उनको एक ट्राइंगल की क्या है, ट्रायंगल की डायरेक्शन में, जो ट्रायंगल की साइड है उनसे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर पाएंगे अगर वो एक प्लेन में नहीं है, इसलिए हम उनको क्या कर पाएंगे, ऐड भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हर एक की आपकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, आगे उसने पूछा है स्टेबलाइज द फॉलोइंग वेक्टर इनक्वालिटीज, मतलब उसने कुछ हमारे वेक्टर इनक्वालिटीज दी हुई है, इनको हमें क्या करके बताना है, ज्योमेट्रिकली और किसी भी तरीके से इनको एस्टेब्लिश करके दिखाना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आ जाता है ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आपको बताना है, ठीक है। और मतलब ये चारों चीजें आपको प्रूफ करके बतानी है। देखो, हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाले में लगा देते हैं, फर्स्ट वाले में सिंपल हम लगा देते हैं पैरेललोग्राम लो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी, और ये होता है ए प्लस का बी, ठीक है, नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये आ गया। अब देखो, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपका क्या होगा, आपका जो ए ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, ठीक है, आपका ट्रायंगल बी डी सी है, बी डी सी में, और ये भी तो बी होगा ना, ठीक है, ये वाला अगर बी है तो पैरेललोग्राम की इक्वल एंड अपोजिट साइड इक्वल होती है और आपस में पैरेलल भी होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ बी डी सी, बी डी सी ये वाला अगर मैं ट्रायंगल लूँ, तो आपको पता है इसमें से अगर मैं कोई भी दो साइड को सम करूंगा वो तीसरी साइड से क्या आएगी, बड़ी ही आएगी, ठीक है, मतलब कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी वाली से बड़ा ही होता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ए प्लस का बी को क्या कर देता हूँ, प्लस कर, थोड़ा सा साफ लिखता हूँ, ए, एक सेकंड, ए प्लस बी जो वेक्टर्स हैं इन दोनों को अगर मैं ये वाली साइड जो डी सी है, रुको और थोड़ा सा तरीके से लिख देंगे कि हमारे पास क्या होगा, इन ट्रायंगल बी डी सी आपका क्या होगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसके, आपका ए प्लस बी के ग्रेटर देन होगा, ये बात क्लियर है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ जो वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के इक्वल होता है, मतलब वेक्टर एडिशन का इक्वल। तो ये फर्स्ट हो गई आपकी, ये सेकंड होगी, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर ए प्लस का मेरा वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस का बी, ये आपका होगा। और ये बात आपको फर्स्ट में प्रूफ करनी थी, क्लियर पॉइंट, ये बात आपको ये वाली प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से आप चीजों को प्रूफ कर सकते हो। अब देखते हैं सेकंड थर्ड और फोर्थ हम किस किस तरीके से प्रूफ करेंगे, हम अपना पैरेललोग्राम की हेल्प लेके ही प्रूफ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको देखो नेगेटिव साइन लिया हुआ है, तो हम क्या कर ले लेंगे, इसको जो ए डी है इसको नीचे बढ़ा देंगे, मतलब इसको नेगेटिव एक्सिस में, तो ओरिजिन होता है, इसको नेगेटिव एक्सिस में ले लेंगे। चलो जी, देखते हैं किस किस तरीके से करता है, बाकी मैंने आपको एक करके दिखा दिया एक पार्ट, इस तरीके से आपको करना है, बाकी करने का तरीका आपका ये रहा, ठीक है जी। चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट में वही आ गया कि
हमने क्या लिया, एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है, ये वाला है ना, हाँ, हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया PNMO, हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, इसमें एक साइड ए वेक्टर होगी, दूसरी साइड बी, और आपको पता है जो डायगोनल होता है वो ए प्लस बी मतलब दोनों का सम शो करता है, जैसे आपका OM हो गया वेक्टर ए, MN और OP तो आपके इक्वल है, MN और ये वाला OP आपके इक्वल है, ये आपका वेक्टर B और ON आपका सम आपका रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको पता है हम ट्रायंगल ले रहे हैं OMN, OMN ये आप अपना एक ट्रायंगल लो, और इसमें आपको पता है आप कोई भी दो साइड का सम करो वो तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा, तो ON प्लस का MN इज ग्रेटर देन OMN। अगर आप इसमें देखो जो ON है मतलब कि आपकी ये वाली ON तो होगी आपकी ये वाली ON, O से लेके N तक ये वाली, प्लस का आप कर रहे हो MN, MN मतलब ये वाली, इन दोनों को सम करेंगे तो इस वाली से बड़ी ही आएगी, तो हम सिंपल सम कर देते हैं, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, जो मेरी ये वाली ON प्लस का OM, OM, OM मेरा हो गया, हाँ ये वाली साइड थी OM प्लस का OM, मतलब कि इसको मैं इधर भेज देता हूँ और इसको मैं OM को इधर ले आता हूँ, मतलब कि आपस में इनको चेंज कर देता हूँ, मतलब कोई भी दो साइड आपको प्लस करनी है तो ये आपकी ये क्या आ गया, ये सिंपली मतलब ये रिलेशन आपका आ जाएगा कि जो ON है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, OM माइनस का OP से ग्रेटर हो जाएगा। OM कौन सी है आपकी, OM आपकी हो गई ये वाली, और OP आपकी हो गई ये वाली, OP की जगह हमने ये वाली रखा था और इसकी जगह हम ये वाली, क्योंकि OP मेरा MN के इक्वल है तो मैं MN की जगह क्या रख सकता हूँ, MN की जगह मैं ये OP रख सकता हूँ। देखो मैं कैसे किया, देखो ON क्या था, ON प्लस का MN इज ग्रेटर देन OM, ये मेरी चीज थी, तो ON ये OM मैं धर लिया है, ठीक है, OM और ये ग्रेटर था MN के, ठीक है, अब ये ON है, ठीक है, ये तो ग्रेटर ही रहेगा। अब मैंने क्या कर दिया, जो ये OM था, OM को क्या मैंने क्या कर दिया, उधर भेज दिया, उधर भेजने के बाद ये क्या हो जाएगा, OM माइनस का, और जो ये MN था, MN ये वाली जो साइड थी ये OP के इक्वल थी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, OP लिख दिया, और इन सब का क्या ले लिया, मोड ले लिया, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब ये ON किसके इक्वल है, ON मेरा सिंपली किसके इक्वल है, ON मेरा A प्लस का B वेक्टर्स के इक्वल है, अगर आप फिगर में भी देखो ON इसके इक्वल हो गया, ग्रेटर देन OM किसके इक्वल है, OM A के इक्वल है, और OP किसके इक्वल है, OP मेरा B वेक्टर के इक्वल आता है, तो सेकंड रिलेशन भी मेरा प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपका सेकंड रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, आप इंडिविजुअली लिख दोगे फिर इनको दोनों को जोड़ के लिख दोगे, इस तरीके से आपका आ जाता है ये सेकंड रिलेशन, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड इस तरीके से होता है। अब थर्ड में उसने बोला है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी आपको करना है, तो अब देखते हैं ए माइनस बी का आपका किस तरीके से होगा, ठीक है जी। चलो वही हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, पैरेललोग्राम में अब हमें प्रूव करना था कि ए माइनस बी जो है वो किसके है, क्वेश्चन देख ले, ए माइनस बी इज लेस देन, ठीक है, और ए प्लस प्लस है ना, हाँ, उसने बोला है कि जो ए माइनस बी है वो लेस देन है किसके, लेस देन इक्वल टू ए प्लस का वेक्टर बी, ठीक है, ये मेरे को बात प्रूफ करनी है, तो ये बात हम लेते हैं, जैसे हमने अपने क्या ले लिया, ओ पी एस आर ए क्या ले लिया, पैरेललोग्राम ले लिया, इसमें वही ये वाली ए शो कर रही है, ये वाली मेरी बी शो कर रही है, और बीच वाली साइड मेरा अब मैंने नेगेटिव एक्सिस में लिया है तो वो ए माइनस कर रही, मतलब कि सेपरेक्शन हो जाएगा। अब इसमें भी सेम हम वही ट्रायंगल लेते हैं, हमने अपने ट्रायंगल लिया ओ पी एस, ये वाला हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें पता है अगर मैं कोई भी दो साइड का सम करूंगा तो वो तीसरी से मेरा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, तो मतलब कि जैसे जो ओ एस है वो क्या आ जाएगा, OP प्लस का PS से हमेशा क्या रहेगा, OP प्लस PS, OP मेरा ये हो गया और PS मेरा ये वाला हो गया, ये आपका क्या होगा, OS से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, ठीक है। अब हमने यही कर दिया सिंपली, अब हम वैल्यूज लिख देते हैं, जैसे OS मेरा कितना आ गया, A माइनस का B आपका आ गया, और ये OP कितना आ गया, OP आपका है A, और पी एस आपका कितना है, पी एस आपका है B, क्लियर है, ये आपका फर्स्ट वैल्यू होगी, ये आपकी फर्स्ट होगी, और आपको पता है A प्लस का B इज इक्वल टू क्या होता है, ए जो बीच में आपकी आती है लाइन ए बी, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर देंगे आपका क्या आ जाएगा, ये वाला रिलेशन वैलिड हो जाएगा, क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में उसने क्या बोला था, फोर्थ पार्ट में उसने प्रूव करने को बोला है, लास्ट में देख लेते हैं, ये प्रूव करने को बोला है कि ए माइनस बी जो आपका ए माइनस बी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए माइनस का बी, बीच में माइनस है ना, हाँ बीच में माइनस है, तो सेम वही करेंगे, ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे, इसमें ये वाली साइड को सम करेंगे वो इसके इक्वल आ जाएगी, सिंपल देखो वही a माइनस बी इन दोनों के आपके क्या डिफरेंस से आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जैसे आपने पहले क्या लिया, जैसे यहाँ से ले लेते हैं कि जो मेरा ओ एस है और प्लस का अगर मैं पी एस करूँगा, ये ओ एस
OS हो गया मेरा ये वाली और PS हो गया मेरा ये वाली, इन दोनों साइड का सम हमेशा ग्रेटर होगा किससे, OP से, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो OS है ये PS में उधर भेज देता हूँ, ठीक है, OP तो उधर ही रहेगा और ये PS उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, OS क्या है, OS A माइनस B का मॉडुलस है, ग्रेटर देन OP कितना है, OP A है, PS कितना है, PS मेरा नेगेटिव का B है, ठीक है, ये माइनस का भी है ना ये, ठीक है, और पहले वाले में भी आपको ध्यान रखना है माइनस का रखना है, बट जब मोड लेंगे वो प्लस हो जाता है, ठीक है, जब हम मोड ले लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ये वाली फर्स्ट हो जाएगी और ऐसे ही आपका ए माइनस का बी मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस का बी, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप इन वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ से आप ये वैल्यू लिख सकते हो, फिर दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू ये आ जाएगी। जैसे फर्स्ट वैल्यू तो आपकी ये हो गई, सेकंड वैल्यू आपकी ये हो गई, दोनों का आपने कंबाइन किया तो डायरेक्ट वैल्यू आपकी ये आ गई, क्लियर है। इस तरीके से आपके ये वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको खुद से जो वैक्टर्स हैं उनको आपको ऐड करके प्रूफ करना है, क्लियर है। चलो बाकी मैंने आपको नोट्स भी दिखा दिया, आप मतलब कि उसमें से एक बार देखना चाहो तो उसमें से देख के कर सकते हो, मतलब किस किस तरीके से लिखना है। बाकी जहाँ पर चीज़ समझाने की होगी मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी आपका ऐसा डाउट नहीं छोड़ूंगा, मेरे को पता है आपको कहाँ पर ज़्यादा समझाना है, कहाँ पर आपको डाउट आ सकता है, कहाँ पर आप खुद भी पढ़ के चीज़ों को समझ जाओगे, क्योंकि मतलब ये कर रखा है तो पता है मेरे को कि कहाँ कहाँ पर आपको डीपली समझाना है, वहाँ पर मैं आपको समझा के ही चलूंगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको आप पढ़ो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है ए बी सी डी प्लस का ए प्लस बी प्लस प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, भी 14 फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसने कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट बतानी है। उसने कहा कि ए बी सी डी मस्ट ईच बी आर नल वेक्टर, मतलब कि वो हर एक क्या होने चाहिए, नल वेक्टर होने चाहिए, तभी उन सबको प्लस करके जीरो आएगा। तो बात ठीक है, मतलब कि ये बात भी ठीक है कि सारे अगर नल वेक्टर तो प्लस करके क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो सिंपल सी बात ये वाली ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस का सी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस का डी, ये बात भी ठीक है, ठीक है, कि जो ए प्लस बी है, जैसे ए प्लस बी प्लस का सी प्लस का डी इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, कैसे करें, तो ए प्लस का मैंने क्या कर दिया, सी कर दिया, और बी प्लस का मैंने डी अलग से रख दिया, तो ए प्लस का सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का बी प्लस का डी, और दोनों के अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए तो ये आपस में कट जाएंगे, तो सिंपली ये भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, एक बार चेक कर ले वाला बी वाला, हाँ बी वाला भी आपका इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा जैसे ये वाला आ गया, ठीक है। चलो थर्ड आपका आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी द ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड सी, मतलब कि बी सी डी, मतलब कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बी प्लस सी प्लस डी से ज्यादा ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी ठीक है। कैसे, देखो ए प्लस बी प्लस का सी प्लस का डी इज इक्वल टू आपका क्या है, जीरो के इक्वल है, ठीक है, तो अगर मैं सबका मोड भी ले लूँ, ठीक है, और ए को उधर रख लेते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो बी सी और डी अगर सबको सम करूंगा तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो आपका ए है वो आपका कभी भी बड़ा नहीं होगा इन तीनों के सम से, क्योंकि ये तीनों भी आपके क्या हैं, कुछ मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड इन तीनों का पॉजिटिव आएगा और इन तीनों का अगर पॉजिटिव आएगा तो सम करके ए से बड़ा ही हो जाएगा, तो थर्ड बात भी आपकी क्या होगी, करेक्ट हो गई, ठीक है। किस तरीके से कर रखा है एक बार ये भी देख लें, हाँ ए सी बी सी के, तो ए बी सी आपका इन तीनों से क्या होगा, इक्वल हो सकता है, क्योंकि नल वेक्टर मतलब कि जीरो आ रहा है सम करके, तो इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी सिंगल ए का क्या होगा, बड़ा आपका नहीं होगा, क्लियर है। चलो डी आपका देखते हैं, उसने बोला कि बी और सी मस्ट बी लाइन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉन कोलिनियर एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, मतलब उसने कहा है कि बी प्लस जो सी है वो हमेशा ए और डी के प्लेन में लाई करने चाहिए, और ए और डी अगर कोलिनियर नहीं है एंड इन द लाइन ऑफ ए डी बी प्लस सी मस्ट बी लाइन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, ठीक है, इफ ए एंड डी आर नॉन कोलिनियर एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इन द इफ दे आर कोलिनियर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो एक बार देखते हैं। उसने बोला कि बी प्लस सी मस्ट बी लाइन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, ठीक है, जो ए बी प्लस सी है वो प्लेन में लाई करनी चाहिए जो ए ओ डी का प्लेन है, इफ ए एंड डी आर कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर है, हाँ क्वेश्चन ये है, अगर ए ओ डी अगर कोलिनियर है तो बी प्लस सी ए ओ डी के प्लेन में लाई करने चाहिए, और इन द लाइन, और वो लाइन में लाई करनी चाहिए अगर ए एंड डी आपके क्या हो, कोलिनियर हो, अगर नहीं हो तो वो आपके प्लेन में लाई करनी चाहिए, और अगर वो कोलिनियर हो तो वो आपके लाइन में लाई करने चाहिए, तो ये बात भी आपकी क्या होगी, करेक्ट हो गई। किस तरीके से,
इसमें ही देख लेते हैं अलग से क्या करेंगे। देखो उसने बोला ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या था, जीरो के इक्वल था, तो बी और सी को हम अलग से ले लेते हैं क्योंकि उनको हमें मतलब कि उसका इसने क्वेश्चन इसमें यही पूछा था ना, बी प्लस सी बी प्लस सी, तो उसको हमने अलग से ले लिया। तो यहाँ पर देखो बात आती है द रिजल्टेंट सम ऑफ द थ्री वैक्टर्स ए बी प्लस सी एंड डी, ये तीनों का अलग अलग हो गया, कैन बी जीरो ओनली, जीरो कब हो सकता है जब हमारा जो बी प्लस सी डी है वो क्या होगा प्लेन कंटेनिंग ए एंड डी, मतलब वो बी प्लस सी के कहाँ पर हो, वो ए और डी के प्लेन में हो, तभी वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर पाएंगे, अगर वो सेम प्लेन में हुए तभी वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर पाएंगे, अज्यूमिंग दैट दीज थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये मतलब कि जो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर तीनों सेम प्लेन में लाई करने चाहिए तभी उनको सम करके जीरो आएगा, अगर वो एक प्लेन में नहीं होंगे तो उनको ना हम ऐड कर पाएंगे ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तो जब कर नहीं पाएंगे तो वो जीरो के इक्वल भी नहीं आएगा, और उनको हम ट्रायंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट कर देंगे जो कि आपका इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट उसने बोला था अगर वो कोलिनियर हो जाए तो, ठीक है, इफ ए एंड डी आर कोलिनियर, और ए और डी अगर आपके कोलिनियर है, मतलब ये वेक्टर हो गए एक, ये वाला वेक्टर हो गए दूसरा, आपका ये वाला वेक्टर ए वेक्टर ये और दूसरा आपका वेक्टर बी, ठीक है, ए बी, ए बी नहीं आपका ए डी है ना, ये आपका ए और डी, ठीक है, देन इंप्लाइज दैट वेक्टर बी प्लस सी इज इन द लाइन ऑफ ए डी, और मतलब कि फिर जो आपका बी प्लस का सी वेक्टर होना चाहिए वो भी इनकी लाइन में ही होना चाहिए, दिस इंप्लीकेशन होल्ड ओनली देन द वेक्टर सम ऑफ द एडिशन विल बी जीरो, जब ये तीनों एक लाइन में होंगे तो इस टोटल का सम इस सारे के इक्वल हो जाएगा, ये पॉजिटिव में अगर ये नेगेटिव में, नेगेटिव एक्सिस अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन ले लूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को तभी कैंसिल आउट करेंगे, तो इस तरीके से आपको ये वाला मतलब कि क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर है। चलो उसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस, ठीक है, एक आपका मतलब कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो आपकी कितनी है, वो आपकी आपती है 200 मीटर, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, वो एक पी पॉइंट से स्टार्ट कर दे, ठीक है, हम पी पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, पी पॉइंट से स्टार्ट कर दे, ऑन द एजेस ऑफ द ग्राउंड ईच वो क्यू पॉइंट पर पहुंच जाती है, क्यू सामने उसने फिगर दी हुई है तो क्यू बिल्कुल सामने उसका पॉइंट आता है, अपोजिट टू डायमेट्रिकली मतलब कि उसके डायमीटर के बिल्कुल सामने है क्यू पॉइंट, अपोजिट टू द फॉलोइंग द डिफरेंट पाथ, पाथ फॉलो कर रखा है एक ने, तो आपका ए ने वाले ने ये फॉलो कर रखा है, बी वाले ने ये फॉलो कर रखा है और किसी ने ये फॉलो कर रखा है, आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताना है और एक्चुअल लेंथ बतानी है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो आपका कितना हो जाएगा साफ पता चल रहा है, जो आपका ये देखो ये रेडियस अगर 200 मीटर है तो ये जो पूरा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 400 मीटर, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गई, ठीक है। फिर उसने पूछा, उसने क्या पूछा है, फॉर विच ऑफ द गर्ल, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, मतलब कि कौन सी गर्ल है जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही है, तो वो बी के इक्वल आती है, जो बी गर्ल है, बी वाली गर्ल है उसने डिस्प्लेसमेंट की लाइन को ही फॉलो किया है क्योंकि वो सेंटर डायमीटर वाली लाइन से गई है, ए और जो ये सी होगी ये अलग अलग लाइन से गई है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आता है, क्लियर है। चलो इस तरीके से आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। चलो आगे आता है, आगे उसने बोला है अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, ठीक है, एक मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और जिसकी जो रेडियस है वो 1 किलोमीटर आती है, ठीक है, रिचेस द एज मतलब कि वो पी पॉइंट पर पहुंच गया ऑफ द पार्क, देन साइकिल अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड रिटर्न टू द सेंटर ओ अलोंग ओ क्यू, ठीक है, फिगर आपको फिगर दिखा रखी है, ठीक है, मतलब वो किसी इस तरीके से जाता है, फिगर में ही हम देख लेते हैं, मतलब फिगर में बना के दिखाता हूँ, तो वो पहले यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस तरीके से उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ये पी, ये क्यू, ये ओ, ठीक है। फिर उसने बोला और ये सारा करने में उसको कितना टाइम लगा, 10 मिनट्स लगी, मतलब पूरा कंप्लीट करने में। उसने पूछा व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो जहां से चला वहीं पर आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो हो गया। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो जीरो है, टाइम आपका कितना भी लगाओ जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो भी 0 मीटर पर सेकंड आपकी हो जाएगी, क्लियर है। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड किसकी इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम तो आपका 10 मिनट्स है, ठीक है, 10 मिनट्स को आप उसमें कन्वर्ट कर लोगे, यहाँ थोड़ा सा इसको क्लीन करके ले लेते हैं, हाँ, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस देखो एक तो यहाँ से वो यहाँ तक गया, ये रेडियस कितनी थी 1 किलोमीटर थी, ठीक है, 1 किलोमीटर ये हो गई और 1 किलोमीटर ये हो गई, तो 2 किलोमीटर का आपका ये हो गया, और साथ में आपकी ये वाली सर्कमफ्रेंस, ये वाली कितनी है 1/4 है, 1/4 ऑफ द 2 पाई
आर, ठीक है। 2 किलोमीटर को जो मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि इसको मीटर में ही ले लेते हैं सारी चीजों को, ठीक है। ये हो गया 2000 मीटर प्लस का 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी है? रेडियस आपकी 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, या फिर इसको किलोमीटर में ही रखें, इसको किलोमीटर में ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 किलोमीटर प्लस का 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपकी कितनी है? 1 किलोमीटर, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, 2 2 2 11 ज़ा, ये आ जाएगा 2 प्लस का 11/7 14 प्लस का 11/7 ये आ जाएगा 5 2 25/7 25/7। तो ये आ जाएगा 25/7 जो टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम कितना लगा? 10 मिनट थी, 10 मिनट को आर में चेंज करेंगे 60 आ जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं, चलो ये क्या आ जाएगा 25/60/7 इंटू, यानी 0 से 10 कुछ कट रहा है? नहीं जी, कुछ नहीं कट रहा। 25 की 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 150/7 इतने किलोमीटर पर आर, ये उसकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन को आपको मतलब कि जो जो उसने चीज़ें दे रखी है वो आपको ध्यान में रखनी है, साथ साथ जो चीज़ें निकालनी है बस उसका फॉर्मूला लगाओ, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल को आप किस तरीके से करोगे उसकी मैंने एक अलग स्पेशल वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की स्पेशली, जिसमें मैंने हर एक कंसेप्ट से क्या क्या टाइप वाइज के न्यूमेरिकल बनते हैं, कौन कौन से आप फॉर्मूले इसमें लगाओगे, किस तरीके से सोल्व करोगे, उसकी स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो भी आप जरूर देख लेना। उससे आपको न्यूमेरिकल में बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा। वो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद, थोड़ी जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें वो प्रैक्टिस करने के बाद, आपका बिल्कुल न्यूमेरिकल्स में आप क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट हो जाओगे। क्लियर है? चलो एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं। ये सब तो जीरो ही है, और एवरेज स्पीड 150/7 आपकी आई है, ठीक है। एवरेज स्पीड उसने उसमें निकाल दी, तो वो मतलब सोल्व करके ही आपकी आ जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि एन ओपन ग्राउंड मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय द एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। तो उसने कुछ बोला है कि मतलब एक मोटर मतलब कि एक मोटरसाइकिल चला रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से चला रहा है कि हर 500 मीटर के बाद वो ना 60 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। हर 500 मतलब कि उसके बाद वो ना 60 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। तो वो 500 मीटर चला और 60 डिग्री एंगल इधर बाहर से इधर से घूमेगा ना, ऐसे चला फिर ऐसे घूम गया, तो वो इससे 60 घूम गया, फिर वो ऐसे थोड़ी देर चला फिर वो घूम गया, तो वो इससे 60 घूम गया, हर 500 मीटर बाद वो 60 का घूम रहा है। तो उसने ऐसा कुछ बोला हमें। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट, जो मोटर मतलब कि मोटरसाइकिल जो चला रहा है उसकी हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है थर्ड सिक्स और एट टर्न पर, मतलब कि वो जब अपना थर्ड टर्न लेगा और सिक्स टर्न लेगा और आठवां टर्न लेगा तो उस पर बतानी। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ, मतलब कि उस उन पॉइंट पर, ये तीन पॉइंट थर्ड सिक्स और एट टर्न पर हमें डिस्प्लेसमेंट और जो एक्चुअल पाथ मतलब जो डिस्टेंस है उसमें मतलब कि डिफरेंस पता लगाना है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास डायग्राम बन जाएगा, आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से बनाया। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं उसने पी से स्टार्ट किया, पी से पहले वो क्यू पर गया, क्यू से पहले फिर वो कहां पर गया? आर पर गया। तो उसका सबसे पहले देखते हैं थर्ड टर्न कहां पर हुआ। तो एक टर्न तो ये हो गया, ये पहला टर्न हो गया, ये आपका दूसरा टर्न हो गया, और एस पर उसका क्या हो जाएगा? थर्ड टर्न हो जाएगा। तो मतलब कि एक टर्न क्यू पी आर, थर्ड पर उसका क्या हो जाएगा? पहला टर्न होगा। तो हमें क्या निकालना है? एस पॉइंट पर, एस पॉइंट आपका क्या है? थर्ड टर्न है, थर्ड टर्न। तो उस पर हमें एक तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है, और एक क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस आपका सिंपल निकल जाएगा भाई, वो किस किस रास्ते से गया? यहां से गया तो 500 मीटर यहां, फिर यहां से गया 500 मीटर यहां, और यहां से गया 500 मीटर यहां। अब देखो सारी साइड आपकी इक्वल है, कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 छह आपकी साइड है। तो ये क्या बन गया? ये आपका हेक्सागन बन गया। और हेक्सागन में आपको पता है मतलब कि चलो ये चीज पहले ये वाली कर लेते हैं, जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये 500, ये 500, ये 500, तीनों को क्या कर दोगे आप? प्लस कर दोगे भाई, जो एक्चुअल पाथ वो चल के गया उसी को तो बोलते हैं ना डिस्टेंस। तो ये तो कितना आ जाएगा? 1500 मीटर। ये आपकी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब कि एक तरह से टोटल स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपका होगा। देखो वी, वी आपका क्या होगा? वी आपका सेंटर होगा। और आपको पता है जो आपका मतलब कि जो हेक्सागन होता है उसकी जो साइड होती है लेंथ, वही आपकी क्या होती है? उसकी बीच की जो रेडियस बोल सकते हैं, बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है वही आपकी होती है। तो 500 ये और 500 ये, तो ये कितना हो गया? 1000 आपका मीटर हो गया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें आपको इतनी सी चीज आती थी, मतलब ये सिंपल सा आपका आंसर। फिर उसने बोला सिक्स टर्न पर, सिक्स टर्न कहां पर आएगा? ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। जो सिक्स टर्न आएगा वो आपका पी पर ही आएगा। तो आपका कर लेते हैं पी पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट पर वो पूछ रहा है सिक्स टर्न आएगा आपका, सिक्स टर्न। यहाँ पर आपको क्या निकालनी है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस
प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 चक्कर काट लेगा, मतलब कि 6 बार चल लेगा, एक चक्कर 500 का, तो 6 इंटू क्या कर दोगे, 6 × 500 जो क्या आ जाएगा 6×30 और 00 इतने मीटर, मतलब कि 3000 मीटर आपका आ जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट उसने बोला है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जब घूम फिर के पी से चला था, पी पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 आपका हो गया, क्लियर है। चलो आगे फिर उसने पूछा है एट्थ पर देखो, सिक्स यहाँ तो हो गया, तो सेवन्थ और एट्थ आपका क्या हो जाएगा, आर पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आर पर हम करते हैं, चलो यहाँ पर करते हैं इसको, यहाँ पर करते हैं एस पॉइंट पर, एस पॉइंट जो कि एट्थ टर्न आपका वहाँ पर वो लेगा, ठीक है। अब इसमें उसने क्या कहा है, एस पॉइंट पर आठवा टर्न लेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और फिर निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, देखो पी तक कितना हो गया था, पी तक 3000 मीटर हो गया था, तो 500 दो और हजार और जुड़ जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 4000 आपका मीटर हो जाएगा। आई होप इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो डिस्टेंस को तो डायरेक्ट हमें प्लस ही करना है। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से लेके यहाँ तक कम निकालेंगे, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकालनी है, अब देखो ये वैल्यू हम वेक्टर वाले लॉ से निकाल सकते हैं, ये आपका 500, ये आपका 500, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगा, ये आपका एक तरह से एक इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बन गया ऐसे, ठीक है, कि ये 500 हो गया, ये 500 हो गया, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला इस डायरेक्शन में हमें क्या देगा, एक्चुअल आपकी क्या होगी, इसकी मान लो ये ए डी इसका जो सेम नाम है वही लेंगे, क्या है पी क्यू, ये क्या है आर है ना ये, हाँ पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू, ये आर, आपको पी आर निकालना है। पी आर किसके को होगा, वो अंडर रूट जो आपका पी क्यू का स्क्वायर है प्लस का आपका क्या हो गया, क्यू आर का स्क्वायर प्लस का 2 × PQ × QR कोस थीटा, ये इसके इक्वल आपका होगा, जो इसको सिंपली हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो जी इनका ही देख लेते हैं, हाँ देखो वही आएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 PQ × QR × cos 60, cos 60 मतलब 60 डिग्री का एंगल था ना, तो आप अपना सिंपल सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस से आप अपना टेन बीटा लगा दोगे, टेन बीटा किसके इक्वल होता है, टेन बीटा इज इक्वल टू जो आपका वाई एक्सिस में मतलब ये आगा क्यू आर अपॉन पी वाई, लेकिन एक तरह से y वाला अपॉन x वाला, ये आप अपनी वैल्यू रख दोगे, या फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे ये वाला कि 500 × sin 60 / 500 + 500 cos 60, आप अपना फॉर्मूला लगा के आप अपना एंगल की वैल्यू भी निकाल लोगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन आपकी दोनों निकल जाएगी। ये तो आपका सिंपल वही आ गया, वेक्टर में जब आप एडिशन करते हो ट्रायंगल लॉ, एक तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपने हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट। चलो आगे बढ़ते ही उसने मतलब कि एक इजी मतलब कि आंसर एक फॉर्मेट फॉर्म में लिख दिया, आप भी लास्ट में इस तरीके से लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 4.11 क्वेश्चन आता है, उसने बोला है अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन, मतलब कि एक पैसेंजर है वो एक नए टाउन में जाता है और वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा उसको, ठीक है। वो कहां से, स्टेशन, फ्रॉम द स्टेशन, वो स्टेशन से लेके होटल तक जाना चाहता है जो कि 10 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। ऑन अ स्टेट रोड फ्रॉम द ए, एक डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग, मतलब कि कुछ और कोई आदमी था वो उसको दूसरे रास्ते से ऐसे मतलब घुमा घूमू के ले गया, जो कि कितना पड़ा उसको 23 किलोमीटर दूर जाके पड़ा। वो कितने में पहुंचा वहां पर, 28 मिनट में होटल पर, अपने स्टेशन से होटल पर पहुंचा 28 मिनट में। व्हाट इज एवरेज स्पीड, सबसे पहले आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, 23 किलोमीटर, टोटल टाइम उसने कितना लगा उसका 28 मिनट, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। हम अपना सोल्व करके तो आप सिंपली लिख सकते हो, आके मैं लिख देता हूँ एवरेज स्पीड जो कि आपकी है 49.29, इसको सिंपली आपको सोल्व भी करना है। कैसे करोगे, 214 जा 230 जा 15 जा 7 जा और कुछ कट रहा है नहीं, 23 × 15 / 14 ही आप अपना सोल्व कर दोगे। फिर उसने पूछा था एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अब डिस्प्लेसमेंट तो वही होगी ना जो उसके बीच का मतलब कि स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है, चाहे वो घूम के कहीं से भी आयो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 10 किलोमीटर और टोटल टाइम उसको कितना लगा, वो तो फिर भी 28 मिनट ही लगी ना, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 21.43 किलोमीटर पर आ रही आपकी वैल्यू आ गई। फिर उसने क्या पूछा था, आर दे इक्वल, नहीं वो इक्वल नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारा इक्वल नहीं है, तो जो एवरेज वेलोसिटी और जो एवरेज
स्पीड है वो भी इक्वल नहीं आएंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने बोला रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ, मतलब कि रेन है जो कि वर्टिकली नीचे फॉल हो रही है, ठीक है। ये आपकी रेन फॉल हो रही है जो कि सिंपल आपका क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। उसने बोला कि अ वुमेन राइड्स अ बाइसाइकिल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। हम मान लेते हैं नॉर्थ है या साउथ है, वो इस डायरेक्शन में क्या जा रही है, अपनी बाइसाइकिल से वो जा रही है, जिसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, मतलब कि वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में उसको होल्ड करना होगा। तो अगर आप मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि जो वैल्यूज दे रखी है जो हम मैथमेटिकली निकालेंगे उसको एक साइड अगर आप रखो तो आप सिंपल से वर्ड में देखो, अगर ऊपर से बारिश पड़ रही है और आप उसके मतलब कि जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो आपका अम्ब्रेला क्या होगा, वो एक मतलब कि इस डायरेक्शन में आपको पकड़ना होगा। तो ये आप मतलब फिजिकल मीनिंग से आपने समझ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन से आपका किस तरीके से होगा, ठीक है। चलो जी, अब देखो यहाँ पर ये आपकी रेन थी, अब यहां पर आप जा रहे थे सिंपली, ठीक है। रेन आपकी, हम इसको नीचे तक ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब आपका ये आपका नॉर्थ से साउथ, इस डायरेक्शन में जा रहे थे ना, इस डायरेक्शन में आप जा रहे थे। तो जो अब आप मान लो स्पीड से, अब रेन ऊपर से मान लो ऐसे पड़ रही है और आप इधर से जा रहे हो, ठीक है। तो आपको रेन कैसे लगेगी, वो आपको रेन इस तरीके से मतलब आप ऊपर आके लगेगी, क्योंकि आप उसी की डायरेक्शन में जा रहे हो। तो रेन आपको क्या लगेगी, वो इस तरीके से लगेगी जो कि थीटा एंगल पर आपके लिए टिल्ट हो जाएगी। इसको आगे तक ज्वाइन कर लेते हैं, वो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन और ये वाला ज्वाइन। इसको हम मतलब कि किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हम वहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा दे और ये हमारा सिंपली हमें वैल्यूज मिल जाए। अब ये तो हमारी किसकी स्पीड हो गई, ये वाली, ये हमारी स्पीड हो गई VC, मतलब जो साइक्लिस्ट की स्पीड है, और ये हमारा ओरिजिन था तो ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है तो माइनस का VC, और ऐसी ये मेरी क्या होगी, रेन की स्पीड होगी, ये भी मेरे क्या होगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। चलो, और ये मेरे पास क्या हो गया, V हो गया। तो मेरे को V की वैल्यू निकालनी है और V की डायरेक्शन निकालनी है, उससे मेरे को अम्ब्रेला की वो पता चल जाएगी, ठीक है। चलो, वैसे रेन जो है वो यहीं तक आएगी तो इस वैल्यू को तो हम नेगेटिव मतलब कंसिडर ही नहीं कर सकते एक तरीके से, ये तो सिंपल वी आर होगा। चलो फिर भी देखते हैं। चलो जैसे VC इसमें क्या होगी, VC आपकी साइक्लिस्ट की स्पीड होगी, VR आपकी फॉलिंग रेन की स्पीड होगी। अब दोनों को क्या लेना है, इस V की वैल्यू निकालनी है। V की वैल्यू कैसे निकलेगी, V की वैल्यू आपकी निकल जाएगी जो VR है और जो आपका ये VC है, इन दोनों को क्या कर दोगे, सम कर दोगे। VC आपका नेगेटिव में था तो दोनों को सिंपली सम करना, ये 30 था और ये आपका क्या था, 10 था, तो सॉल्व करेंगे 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो बारिश उस पर लगेगी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगेगी, जो ये बारिश उस पर लगेगी। एंगल कितना निकलेगा, टेन थीटा, टेन बीटा आपको निकालना है, तो टेन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन बीटा आपका आ जाएगा वी आर अपॉन वी सी के इक्वल। तो वी आर और वी सी की वैल्यू रख देंगे, वी आर कितना है मेरा, वी आर 30 है, वी सी कितना है, वी सी मेरा 10 है, तो ये आ जाएगा 3, टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू मेरा 3 आ गया, ठीक है। और बीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 10 इनवर्स 1 अपॉन 3 वी सी बाई वी आर, VC by VR ही तो रखा, जब VR by VC रख दिया हमने, उल्टा रख दिया, मतलब जो tan बीटा होगा, tan बीटा वो किसके इक्वल होता है, मतलब कि जो y वाला होगा ना, y एक्सिस ये वाला, तो वो VC by VR के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यूज रखने के बाद हम tan की वैल्यू निकाल लेंगे, ये मतलब कि इतने डिग्री पर हमें क्या होगा, वो जो भी साइकिलिस्ट है उसको अम्ब्रेला हेल्ड करना होगा इतने डिग्री पर, तब वो जाके क्या होगा, वो बारिश से बच पाएगी, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो क्वेश्चन आता है, अ मैन कैन स्विम विद अ वाटर 4 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर, मतलब कि एक मान लो कि ये कुछ इस तरीके से नदी होगी, तो ये मतलब कि इधर से उधर जाने में ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको तैर सकता है, अगर वाटर रुका हुआ, स्टिल वाटर हो तो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अ रिवर, जो 1 मीटर वाइड है, मतलब कि 1 किलोमीटर वाइड एक रिवर है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सिंपल टाइम निकाल देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पर टाइम निकालना है तो टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस कितना है, वो 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, वो 4 किलोमीटर, तो 1 अपॉन 4 यानी 0.25 आपका क्या आ गया किलोमीटर पर आर, ये इतना आर आपका आ गया, 1 अपॉन 14 या 425 नहीं आएगा, 15 मिनट्स में आपका क्या हो जाएगा, वो उसको कवर कर लेगा पहले केस में। फिर उसने कहा कि जो फ्लो है वो 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, मतलब कि जो पानी है वो 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भी बह रहा है, ठीक है। एंड मेक अ स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करंट, और नॉर्मल मतलब करंट के नॉर्मल है वो। हाउ फार डज द रिवर डज ही गो एंड रीचेस द अदर बैंक, मतलब कि इसको कितना दूर चलना पड़ेगा, कितना उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा
अब उसको ऐसे थोड़ा वो ऐसे जाएगा तो ये उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। ठीक है चलो जी हम निकालते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, हाउ फार द रिवर दस गो, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है देखो स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी हो गई आपकी देखो 4 किलोमीटर तो उसकी खुद की स्पीड थी और 3 किलोमीटर क्या होगी रिवर की होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो 7 इंटू टाइम उसको कितना लग रहा था 15 मिनट, तो 7 ये हम सिंपली कर देंगे। ठीक है ऐसे ही हुआ है ना, एक बार चेक भी कर लेते हैं। डिस्टेंस आ गई रिवर की तो ये क्या हो गया 3। हाँ सिंपल रिवर की लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड विद द फ्लो, फ्लो के साथ कितना होगा टोटल हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 3 इंटू 15 हम सिंपली ये कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 750 मीटर। ठीक है इस तरीके से मेरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है चलो जी ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, पहले वो बिना फ्लो के करता है फिर फ्लो के साथ करता है, तो आपको बताना था फ्लो के साथ वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो आप अपना ऐसे भी निकाल सकते हो, आप अपने पहले आपने उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1000 मीटर उसने ट्रेवल किया, फिर आप क्या करो मतलब कि 7 की स्पीड से जब वो 7 उसकी दोनों की स्पीड से प्लस करके जाएगा उसको अलग से निकाल लो, दोनों को ऐड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट जो जैसे इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड विद वाई फ्लो, तो वी आर की इंटू टी से मल्टीप्लाई करके दोनों का मतलब कि एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन अ हार्बर, मतलब एक शिप है, विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, विंड जो है वो इतनी स्पीड पर ब्लो कर रही है। द फ्लैग ऑन द मास्ट बोट ऑनर्ड एट द हार्बर फ्लटर इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो फ्लैग है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है उड़ रहा है, हवा आपकी इधर से चल रही है ठीक है उस डायरेक्शन में उड़ रहा है। इफ द बोट स्टार्ट मूविंग इन द एट द स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, अगर जो बोट है वो नॉर्थ की तरफ मतलब कि टर्न ले रही है और बोट नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो आपको बताना है जो फ्लैग है वो किस तरफ आपका क्या होगा वो मतलब कि उड़ेगा। ठीक है तो देखो सिंपल करते हैं, जो आपकी बोट की स्पीड है वो आपकी 51 किलोमीटर पर आवर है और जो आपकी विंड की स्पीड है वो आपकी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर आपकी आती है। ठीक है और इस तरीके से आपका क्या बनेगा मतलब जो आपकी फिगर है वो उस तरीके से बनेगी कि आपकी नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है। ठीक है ये आपकी फ्लैग की डायरेक्शन हो गई। ठीक है इस तरीके से ये आपका फ्लैग हो गया पूरा। ठीक है और ये आपकी क्या होगी बोट की डायरेक्शन होगी और ये विंड इस तरफ आपकी चल रही है। ठीक है तो एंगल बिटवीन द विंड और बोट के बीच का जो बोट और विंड के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब ये सारा ये जो विंड इस तरफ चल रही है और बोट इस तरफ है तो सारा एंगल कितना होगा, यहाँ से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक था तो 90 डिग्री और ये हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारे पास टोटल एंगल कितना आ जाएगा, हम अपने टेन बीटा की हेल्प से जो टेन बीटा में क्या होता है वही अपना वी वी बी साइन 90 प्लस का 45 अपॉन वी सी प्लस का वी बी साइन कोस 90 प्लस का 45, इसको वैल्यू को सिंपली सोल्व कर देंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि उसका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, वो 45.11 डिग्री आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू ईस्ट, मतलब वो ईस्ट की तरफ क्या करेगा आपका जो फ्लैग है वो मतलब कि उड़ना स्टार्ट कर देगा अगर वो नॉर्थ की तरफ घूमेगा तो। क्लियर पॉइंट डायरेक्शन तो हम इस तरफ से भी देख सकते हैं, ईस्ट की तरफ आपका जाएगा। क्लियर है चलो ये आपकी डायरेक्शन। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द सीलिंग ऑफ द लॉन्ग हॉल, जो सीलिंग है लॉन्ग हॉल की वो 25 मीटर हाई है, मतलब कि आपका फ्लोर हो गया या आपकी सीलिंग हो गई इसमें और इसमें कितना गैप है 25 मीटर का आपका गैप आता है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट कैन बी बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ दिस कैन गो विदाउट टचिंग, मतलब कि आपको बताना है कि अगर आप यहाँ से बॉल फेंकते हो तो मैक्सिमम वो कितनी दूर तक जा सकती है अगर उसको बिल्कुल क्या है ऊपर मतलब बस बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है बट टच नहीं होना है। ठीक है तो मेरे को क्या निकालनी है, एक तरीके से मेरे को रेंज निकालनी है सिंपली कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर सकती है। ठीक है और साथ साथ हाइट का भी ध्यान रखना है कि वो मतलब कि ये जो 25 मीटर की हाइट है इसको टच ना करे। ठीक है 25 मीटर से कम ही रहे, तो पहले तो मैं अपना वही है मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ये प्रोजेक्टाइल का आपका क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी होगी 40 मीटर पर सेकंड, हाइट आपकी होगी 25 मीटर। ठीक है यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि वो उसको कितने एंगल पर फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर वो 45 डिग्री पे फेंकेगा तो रेंज आपकी हाइएस्ट होगी बट वहाँ पर वो हो सकता है कि वो 25 मीटर के डिस्टेंस को मतलब कि क्या कर ले टच कर ले, तो पहले तो हम अपना एंगल निकालते हैं। तो आपको पता है हाइट का फॉर्मूला होता है u²sin²θ/2g आपका फॉर्मूला होता है, यहां से मैं sin थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा तो sin²θ की मेरी वैल्यू ये आ गई। अब हम लगा देंगे अपना रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है रेंज u²sin²θ/g, ये आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की आप वैल्यू रख दोगे सिंपली और अपना रेंज की वैल्यू निकाल दोगे, तो ये वो मतलब कि रेंज होगी जहाँ पर आपका क्या होगा जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक भी जाएगा बट वो 25 जो मीटर का जो हाइट है उसको भी कवर नहीं करेगा, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है जी चलो नेक्स्ट उसने बोला अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब कि एक क्रिकेटर यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है
इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, क्रिकेटर ए से लेके बी तक इतना मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजेंटली 100 मीटर उसको दूर फेंक सकता है। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन अ क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, मतलब कि वो अगर ए पर खड़ा है तो उसको मतलब कि हाई फेंकना है, तो हाई फेंकने के लिए मतलब उसको वर्टिकली ऊपर फेंकना होगा, तो वो कितने एच डिस्टेंस पर ऊपर फेंक सकता है, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, चलो जो आपकी रेंज होगी वो आपकी 100 मीटर हो गई, और रेंज अगर उसने मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंका है तो मतलब उसने ये एंगल कितने का रखा होगा, जो ये वाला एंगल आपका रहा होगा बी, ये आपका 45 डिग्री का रहा होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर ही आपकी क्या आती है, रेंज मैक्सिमम आती है। ठीक है, तो ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, आपका क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब आपको हाइट निकालनी है, सबसे पहले तो हम अपना रेंज वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। रेंज वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपना रेंज वाला फॉर्मूला लगाया, रेंज वाले फॉर्मूले के हेल्प से अपना इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर यू स्क्वायर बाई जी, एक्चुअली आप यही निकाल सकते हो क्योंकि ये हमें बाद में यूज होगा। अब हमें क्या करना है, अब बॉल को वो ऊपर की साइड फेंक रहा है वर्टिकली, अब यहाँ पर वर्टिकल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो हम अपना न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से हम अपना हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gh, ऊपर फेंक रहा है तो ग्रेविटी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब वी की वैल्यू तो वैसे ही जीरो हो जाएगी क्योंकि ऊपर जाके जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एट दी टॉप। तो सिर्फ यू स्क्वायर माइनस 2gh आपके आ जाएगा, तो u स्क्वायर माइनस से माइनस कट गया अपॉन g इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2h, और u स्क्वायर अपॉन g आपको पता था वो 100 था, इज इक्वल टू 2h, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 मीटर आपकी आ जाएगी, आपका क्या आ गया, आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी जितना वो वर्टिकली उसका फेंक सकता था। क्लियर है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। चलो आगे चलते हैं। अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब एक स्टोन को मतलब कि एक उस पे धागे पर ऐसे बांधा गया, एंड हॉरिजॉन्टल सर्कल, उसका एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से आपका एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना दिया उसको, इस तरीके से यहाँ पर पत्थर को बांधा हुआ है, ये पत्थर बांधा हुआ और ये इस तरीके से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, चलो फिर उसने बोला विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से घोड़ा अगर वो 14 रेवोल्यूशन कर लेता है 25 सेकंड में, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलेशन, एक्सीलेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो लेंथ उसकी कितनी है थ्रेड की, मतलब एक तरह से रेडियस कितनी हो गई 0.8 मीटर हो गई, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 14 है और टाइम टेकन 25 सेकंड है, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अपॉन टाइम, तो ये आपकी 14 अपॉन 25 क्या आ गई, आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एक्सीलेशन निकालना है। जब भी आपका सर्कुलर मोशन होता है तो आपका एक्सीलेशन भी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका एक्सीलेशन, मतलब कि वहाँ पर एक्सीलेशन कौन सा होता है, सेंटीपिटल एक्सीलेशन होता है। तो सेंटीपिटल एक्सीलेशन किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होता है। तो आर तो आपको पता है, आपको ओमेगा निकालना होगा, ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो ये हम लिख देंगे 2 × 22/7 × फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, 14/25 थी, और रेडियस आपकी कितनी थी 100 मीटर, रेडियस 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर आपकी थी। तो सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 9.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, सेंटीपिटल एक्सीलेशन हो जाएगा, मींस एक्सीलेशन इन अ सर्कुलर मोशन, इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, और यहां पर एक और चीज का ध्यान रखना कि जो सेंटीपीटर एक्सीलेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है हर एक पॉइंट पर, चाहे अगर इस पॉइंट पर लेना चाहोगे तो वो भी सेंटर होगा, इस पॉइंट पर से एक्सीलेशन की वैल्यू लेना चाहोगे वो भी सेंटर की तरफ ही आपकी होगी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ, मतलब कि एक एयरक्राफ्ट है वो भी ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जिसकी जो रेडियस है वो 1 किलोमीटर आती है। ठीक है, स्टडी जो उसकी स्पीड है वो कितनी आती है, 900 किलोमीटर पर आर आती है। कंपेयर इट्स सेंटीपीटर एक्सीलेशन एंड एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सेंटीपीटर एक्सीलेशन दोनों कंपेयर करना है। देखो आपको पता है सेंटीपीटर जो सेंटीपीटर एक्सीलेशन होता है वो ए सी वो किसके इक्वल होता है, वो आपका ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होता है। ओमेगा स्क्वायर आर वो मतलब कि, और एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका होता ही है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे, रेडियस आपकी ये होगी, एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है वो 250 मीटर पर सेकंड है, उसको अगर किलोमीटर से पर आर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगी। सेंटीपीटर एक्सीलेशन आपका ओमेगा स्क्वायर आर होता है, साथ साथ आपका वी स्क्वायर बाय आर, मतलब इसको इस चीज में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी दी हुई है, तो वी स्क्वायर बाय आर हम वैल्यू रख लेंगे, जिसको सोल्व करेंगे तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। और ग्रेविटी का तो आपको पता है 9.8 आपका होता है, तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए एसी बाय एआर में लिखूं तो एसी कितना आएगा, एसी मेरा है 62.5 और एआर मतलब कि ये एजी मतलब ग्रेविटी से कितना है 9.8, तो इनको आप रेशियो निकाल सकते हो या इन दोनों को आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर है, चलो ये आपका क्वेश्चन आता, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है
कि रीड रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग केयरफुली स्टेटमेंट विद रीजन, इफ इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बतानी है, साथ साथ रीजन भी बताना है। उसने बोला द नेट एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस सर्कुलर टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब कि द नेट एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन, जो नेट एक्सेलेरेशन होता है, मतलब कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें जो नेट एक्सेलेरेशन है वो हमेशा क्या लगेगा, उसने बोला है कि वो सेंटर की तरफ लगेगा। तो देखो नेट एक्सेलेरेशन हमें, नेट एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ नहीं लगता, सिर्फ जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वो आपका क्या लगता है, वो आपका सेंटर की तरफ लगता है, जो आपका ग्रेविटी की वजह से हो गया, या फिर जो आप अपना वहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से अगर अपनी तरफ से मोशन कर रहे हो तो वो जरूरी नहीं है सेंटर की तरफ लगेगा। तो सिर्फ सेंट्रीपिटल वाला ही सेंटर की तरफ लगता है, जरूरी नहीं है कि नेट भी आपका क्या लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट ने बोला द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तो वही है, जैसे ये वेलोसिटी का वेक्टर हो गया तो उस पर जो टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वही आपको क्या देगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू देती है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वेक्टर्स की ये तो सिंपल एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट ने उसने बोला है द एक्सेलेरेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर अ वन साइकिल इज अ नल वेक्टर, मींस एक्सेलेरेशन वेक्टर। हाँ ये बात भी ठीक है, ये बात भी हमारी ट्रू हो गई। मींस उसने बोला है कि जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन वेक्टर जो होता है ओवर पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर अ वन साइकिल, तो अगर ये एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा दूसरी तरफ नेगेटिव, तो टोटल जो आ जाएगा वो आपका नल वेक्टर मतलब रिप्रेजेंट आपका करेगा, मतलब दोनों की तरफ की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी ना, अगर इस तरफ की डायरेक्शन ये तो उस तरफ की ये, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो जैसे ये ट्रू आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इट कॉन्स्टेंटली वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा, तो जो एवरेज आएगा वन साइकिल के लिए वो आपका जीरो आएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन ये रहा, उसने बोला है कि जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन तो आपके पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है जी टी सेकंड में है, और जो कोफिशियंट है वो आर वो आपके मीटर में, आपको वी और ए निकालना है। देखो सिंपल है, देखो वी निकालना होता है, वी किसके इक्वल होता है, वो डी आर बाई डी टी के इक्वल होता है। तो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आर कितना है वो थ्री टी आई माइनस का टू टी स्क्वायर जे प्लस का फोर के, ये आपका आता है बाय डी टी। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3t का आपका क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, 3i ठीक है, माइनस का 2 टू जा 4, 4t हो जाएगा, और 4 का तो आपका क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी ये आ गई। एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलेरेशन dv / dt के इक्वल होता है, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dv कितना है 3i माइनस का 4t ठीक है, ये आपका dt आपका हो गया, 3 का तो आपका 0 हो जाएगा, और टी की वैल्यू हो जाएगी 4j, ये आपका क्या आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया। तो इस तरीके से वेलोसिटी और इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलेरेशन आप निकाल सकते हो, वी और ये आपका निकल गया। उसने बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकंड। t = 2 सेकंड पर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, साथ साथ आपको डायरेक्शन भी निकालनी है। तो सबसे पहले तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 4t का स्क्वायर ठीक है, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस का 16t स्क्वायर। इसमें यहाँ पर t कितना दिया है 2 की वैल्यू रख देंगे, अंडर रूट 9 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 64, तो उसको जब सोल्व करेंगे 64 माइनस 9 ये 55, तो अंडर रूट 55 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। चेक भी कर लेते हैं एक बार, एक्सीलेशन वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड गिवन बाय 8 स्क्वायर 73 कैसे आया, हाँ सॉरी बीच में तो ये प्लस होना था ना, हाँ बीच में ये प्लस होगा, माइनस थोड़ी होता है प्लस होता है ठीक है, तो 64 प्लस 9 63 आपका आ जाएगा 73 रूट 73 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे आपका एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन अंडर रूट 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल 4 आपका आ जाएगा डायरेक्ट, हम वैल्यू यहाँ से देख लें। एक्सेलेरेशन निकाला है उसने, नहीं उसने क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड सिर्फ वेलोसिटी की पूछी थी, तो वेलोसिटी की हम अपना इस तरीके से निकाल के बता देंगे। आई होप आपकी ये मतलब जिस तरीके से किया वो समझ में आ गया होगा, ये आपका एक शॉर्टकट सा मतलब कि प्रॉपर आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको इस तरीके से करने होते हैं। बाकी आपको अगर मतलब बेसिक मेथड देखना है किस किस तरीके से उसने किया, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं ठीक है जी। डायरेक्शन आप निकालने के, डायरेक्शन आपको बताइए tan थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वी वाई बाय वी एक्स के इक्वल होता है। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से tan इनवर्स वी वाई बाय Vx आप निकाल लेंगे ठीक है। Vx Vy कितना था आपका, y एक्सिस पे आपका कितना था 8 था, y एक्सिस पे आपका 8 था, और नीचे आपका 3 था, मतलब t की वैल्यू रखने के बाद जब आप यहाँ पर 4t की वैल्यू 2 है ना, तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आप ऊपर 8 रख दोगे नीचे 3, इतना आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, आपका इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है जिसकी जो वेलोसिटी है उसने आपको मतलब कि
वेक्टर कंपोनेंट में दे रखी है एंड मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन में मूव करता है जिसका एक्सेलेरेशन आपका ये वैल्यू आती है। उसने बोला एट व्हिच टाइम द एक्स कोऑर्डिनेट इज 16, मतलब कि किस टाइम पर आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 16 होगा, और उस टाइम पर आपको क्या बताना है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, और उसी टाइम पर आपको वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, और उसी टाइम पर आपको क्या निकालनी है, आपको एक तरीके से उस पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम वो वाला टाइम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले वेलोसिटी ये दे रखी है, एक्सीलेरेशन आपको ये दे रखा है। अब आपको बताया ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डीटी आपका होता है। तो हम डीटी इधर ले लेंगे इज इक्वल टू डीवी, तो ये वैल्यू निकालेंगे। एक्सीलेरेशन आपको कितना दे रखा था, एक्सीलेरेशन आपको दे रखा था 8i प्लस का 2j, ये इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी, ये आपको वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं डी टी के रेस्पेक्ट में, टी वी था इसमें कुछ आई जे नहीं, ये आपका इतना ही आता था। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो टी के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा डी टी, एट का क्या हो जाएगा ये 8t हो जाएगा, प्लस का 2 का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, और ये i और ये j तो चल ही रहा है, इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी क्या होता है वो आपका वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी का जो वेक्टर आ गया वो 8t i प्लस का 2t j, ये आपकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। क्लियर है, चलो। लेकिन अब आपको पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इसको रख देते हैं हम वैल्यू। तो इसको अगर हम एक बार वापस से डी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी ये को जब नीचे जाएगा यहाँ पर हम डायरेक्टली देख लेते हैं। हाँ जी, वही ये v dv by dt r, ये मैं दोबारा से रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहीं पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 8t स्क्वायर i प्लस का 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर जे, ये आ जाएगा। मतलब वही आपने सिंपल इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट मतलब कि अगर x की पावर 1 है तो 1 आपका क्या आ जाएगा, पहले तो 1 आपका आ गया जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस का 1, ये हटाओ, हाँ ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये हाफ कैसे लगा गया, हाफ टी स्क्वायर इंटीग्रेट थोड़ी क्या, इंटीग्रेट ही तो करना, इंटीग्रेट कर डायरेक्ट हमारा इस तरीके से हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन विद द कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0 टी इक्वल टू टी आर इक्वल टू आर, इंटीग्रेट हमने कर दिया सिंपली। ये वाला हाफ कहाँ से लगा दिया हमने, मतलब इन्होंने देखिए एक बार भाई 8t स्क्वायर आया था, 8t स्क्वायर आ जाएगा, हाफ की वैल्यू कहाँ से आई, लेट मी चेक भाई, वेलोसिटी वेक्टर टाइम t। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया था, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, dr की वैल्यू हमारी ये आएगी। तो t के रेस्पेक्ट में r इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का, चलो 8t था, 8t स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, मतलब हमने डायरेक्ट देखो क्या होता है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 को अगर इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 1 प्लस का 1 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस का 1 आएगा। तो 2 मतलब डायरेक्ट पहले से ये 2 यहाँ ना लिख के हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, मतलब इन्होंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, इनको देख के मैंने भी डायरेक्ट लिख दिया था, बट वो मतलब कैसे आया तो वो इस तरीके से आया कि भी x की पावर 2 अपॉन 2 आएगा, तो t की पावर 2 अपॉन 2 और यहाँ भी t की पावर 2 अपॉन 2, ये इस तरीके से आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और आपके पास v की वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास जो एक्चुअल जो वैल्यूज दे रखी थी उसने, वेलोसिटी की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू थी और जो एक्सीलेरेशन की एक्चुअल वैल्यू थी, उनसे हम अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद यहाँ पर जैसे देखो यहाँ से हमने अपनी x की वैल्यू ये निकाल ली, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स आई जे इज इक्वल टू 4rt स्क्वायर g, ये हमारी x की मतलब दोनों तरफ हमने अपनी जो एक्स एक्स की वैल्यू वो रख दी, और कंपेयर करने के बाद एक्स की वैल्यू 4t स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, एक्स आई इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, बाकी आपस में कंपेयर करते रहेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से सोल्व करेंगे, टी हम कितना रख देंगे, टी उसने कितना बोला था, टी उसने अच्छा टी निकालना था, और एक्स की वैल्यू उसने 16 मीटर दे रखी थी, तो एक्स की जगह हम रख देंगे 16 मीटर, और वहाँ से जब हम अपना टी निकाल लेंगे तो टी मेरा आ जाएगा 2 सेकंड। तो मेरा वो टाइम मतलब कि जिस टाइम पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 16 होगा, तो वो टाइम कितना आ गया, वो मेरा 2 सेकंड आ गया, और 2 सेकंड पर ही मेरे को वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं वाई वाले को कंपेयर कर दूंगा, वाई वाले को कंपेयर करने के बाद मैं क्या निकाल लूंगा, वहाँ का डिस्टेंस निकाल दूंगा, और उसी टाइम पर मेरे को वेलोसिटी निकालनी थी, जो वेलोसिटी का मेरे पास आया था वेलोसिटी, इसमें टी की जगह मैं क्या रख दूंगा, टी की जगह 2 रख दूंगा, तो 8 टू 16 प्लस 4
20, ये आपका क्या आ जाएगा 16 प्लस 14 20, ये आपकी क्या आ जाएगी स्पीड ऑफ द पार्टिकल आ जाएगी। इस तरीके से आप सिंपली अपना क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ये आपके सिंपल सिंपल वैल्यूज आती हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट उसने बोला है कि आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आई और जे आपके एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रेस्पेक्टिवली दो वेक्टर्स हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे आई माइनस जे, मतलब कि आई और जे अलग अलग आपके दो वेक्टर हैं एक्स और वाई एक्सिस में, तो आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, और अगर आई माइनस जे मैं ले लेता हूँ तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, मतलब उसने एक अलग से वेक्टर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2i प्लस का 3j, उसकी उनके कंपोनेंट बताने उस वेक्टर के अलोंग द डायरेक्शन, जो आपकी ये दो वैल्यू निकलेगी इन डायरेक्शन में अलग से बताने हैं। तो देखो ये भी बड़ा सिंपल है, इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू ही हम करेंगे। देखो हम मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है p जिसकी वैल्यू है i प्लस का j, ठीक है। अगर इसको हम नॉर्मल कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो पी एक्स आई प्लस का पी वाई जे इज इक्वल टू आई जे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑन कंपेयरिंग द कंपोनेंट ऑफ द बोथ साइड अगर कंपेयर करेंगे तो पी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, जो आपके मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाएगा, और जो पी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, वो रूट टू आपका आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो आपके दोनों वेक्टर्स हैं उन दोनों के वेक्टर्स को मतलब कि स्क्वायर कर देते हैं और फिर उसका हम रूट ले लेते हैं। तो ये आपका ये क्या आ गया सिंपल, आपका आई और आई प्लस जो जे था उसका क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे इज इक्वल टू रूट टू, क्लियर पॉइंट। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द वेक्टर पी विद द एक्स एक्सिस से बना रहा है वो उतना एंगल, तो पी एक्स से उतना बना रहा है, तो यहाँ से हम अपना थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो थीटा की वैल्यू ये आ गया। तो द वेक्टर आई प्लस जे मेक 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ये इतना बनाता है, मतलब कि उसने बोला था ना i प्लस जे की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड उसका कितना आ गया रूट टू आ गया, और डायरेक्शन क्या आ गई 45 डिग्री आपकी, टेन बीटा की वैल्यू 45 डिग्री आपकी आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही i माइनस जे निकालेंगे, तो i माइनस जे के लिए भी हम वो करेंगे, हम मान लेते हैं कि आपके पास क्या है एक q वेक्टर है जो कि किसके कोल है i माइनस जे के कोल है, तो q को भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे बेसिक फॉर्म में, और वहां से उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वो मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा सेम रूट टू ही आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हम डायरेक्शन निकालेंगे, ये क्या था आई माइनस जे था, तो माइनस था तो हम क्या लेंगे अपनी नेगेटिव एक्सिस में ले लेंगे, और इसी तरीके से टैन क्या कर देंगे टैन अपना क्यू वाई अपॉन क्यू एक्स करने के बाद या माइनस 45 डिग्री, तो माइनस 45 डिग्री एक्स एक्सिस से वो क्या बनाएगा उसकी डायरेक्शन मतलब उसका एंगल आपका होगा। तो आई प्लस जे और आई माइनस जे दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन आपकी इस तरीके से निकल जाएगी, क्लियर है। फिर उसने क्या पूछा था, एक आपको वेक्टर दिया होता ए वेक्टर ये दिया होता इसका कंपोनेंट बताना, तो सबसे पहले तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे इसके जो बेसिक मतलब कि जो बेसिक आई जे के हैं उनसे कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा ये आ जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड निकालने के बाद इसकी भी हम क्या निकाल लेंगे सिंपल, जैसे हम टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स करके मतलब वाई बाई एक्स करके डायरेक्शन निकालते तो हम निकाल लेंगे, तो जो एंगल होगा बिटवीन जो हमें वैक्टर दिया हुआ था वो और जो आई प्लस का जे हमारे पास जो पहले था वो हमारा कितना आ जाएगा, दोनों के जो एंगल थे उन दोनों में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और इसी तरीके से हम अपना जो क्यू वाला है वो भी अपना सिंपल माइनस कर देंगे, ये अपना डायरेक्ट वैल्यू सोल्व कर लेंगे, क्लियर है। ऐसी 2i प्लस का j, i माइनस का j, ये भी हम क्या कर देंगे दोनों में नेगेटिव, ये वाले दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक्सिस में, तो ये सिंपली प्लस हो गए मतलब कि पुराना एंगल बना लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोनों के बीच का जो कंपोनेंट है वो वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। इस तरीके से आपका ये पूरा होगा, इसमें मतलब कि ज्यादातर आपका कैलकुलेशन पार्ट है, तो अगर एक बार आप इसको खुद भी देखोगे मतलब एक बार करोगे तो सिंपली हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ हार्ड नहीं है कि ज्यादा डीपली जाके आपको समझाना पड़े, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट उन्होंने बोला फॉर एन आर्बिट्री मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, मतलब कि आर्बिट्री मोशन हो रखा है तो वहां पर मतलब कि कौन से रिलेशन आपके ट्रू होंगे, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो आर्बिट्री अगर मोशन है तो वहां पर आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, तो जिस भी इक्वेशन में यूनिफॉर्म मोशन अगर आपका शो हो रहा है तो वो आपकी क्रॉस हो जाएगी, जैसे एवरेज स्टैंड फॉर द कुछ ही तरह का क्वांटिटी ओवर द टाइम क्वांटिटी, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलरेशन किस किस में दे रखा है, एक तो एवरेज एक्सीलरेशन मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इसमें भी आ रहा है, ये आपकी आर ओ टी फॉर्म में, ये वाली सही हो सकती है, देख बी सी डी ई, ठीक है, इसमें भी एवरेज एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें भी आपका आर प्लस बी, ये इसमें भी एक्सीलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म आपकी आ रही है तो ये भी नहीं, और वी माइनस टू टी, ये वी ओ टी की फॉर्म में है, ए भी आपका शायद नहीं होना चाहिए, बट ई पे अगर अभी देख लेंगे, तो एक तो बी है हमारी
बी में बी वैल्यू आपकी है, ठीक है, रीजन देख लेते हैं एक बार, रीजन से पता चलेगा। ए आपकी है बिकॉज दिस इज इन द मोशन ऑफ पार्टिकल आर टी, देयरफॉर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, मतलब कि अगर आपका मोशन आर्टिबेटरी हो तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वेशन की हेल्प से नहीं दी जा सकती, इसलिए वो ए वाला नहीं है। बी वाला है, बी वाले मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है बी वाला, क्योंकि आर ओ टी उसमें है तो आर ओ टी डायरेक्शन सॉरी डायरेक्शन कह रहा हूँ पोजिशन और टाइम तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ए दे रखा है, इसमें आर और हमारा क्या दे रखा है ए दे रखा है, तो ये भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आर्टिबेटरी पोजीशन में हम ये चीज़ें नहीं रिस्पेक्ट कर सकते। इसमें वी और टी मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है तो ई वाला हम कर सकते हैं, द आर्टिबेटरी मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ये इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने बोला रीच हमें रीड करनी है, हमें बताना कौन कौन ट्रू है। अ स्केलर क्वांटिटी इज वन विच इज कंजर्व इन अ प्रोसेस, वो कंजर्व रहती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है जो एनर्जी है, देखो एनर्जी आपके प्रोसेस के थ्रू कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, तो ये वाला फॉल्स हो गया। क्या नेवर टेक टू द नेगेटिव वैल्यू, स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, ऐसा भी जरूरी नहीं है क्योंकि जैसे आपका टेम्परेचर हो गया माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस होता है बट वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मस्ट बी डायमेंशनलेस, वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपका जो डिस्टेंस है डिस्टेंस की एल माइनस वन आपकी क्या होती है डायमेंशन होती है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। डज नॉट वेरी विद वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द स्पेस, मतलब कि वेरी नहीं करना चाहिए, तो वेरी हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, तो ये भी आपकी वैल्यू फॉल्स होगी। हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑन द एक्सिस, हाँ ये बात ठीक है, ये किसी भी एक्सिस में उसको ले लो मैग्नीट्यूड तो उसका सेम ही रहेगा। चेक कर लेते हैं सारे हमारे फॉल्स हैं, हाँ ये वाला मतलब स्केलर वेरी नहीं करता ऑब्जर्वर के हिसाब से, बाकी ये उसके रीजन से ये आप अपने चेकआउट कर सकते हैं, क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट आता है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 300, मतलब कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, वो 3400 मीटर पर हाई कर रहा है। इफ द एंगल सब्टेंड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द पॉइंट एयरक्राफ्ट इन 10 सेकंड, लगी वो पहले देखता है कि पहले एयरक्राफ्ट यहाँ था फिर वो कुछ टाइम बाद उड़ के यहाँ पर पहुंच जाता है 10 सेकंड बाद, ठीक है 10 सेकंड बाद, और वो कितने का एंगल बना लेता है 30 डिग्री का एंगल बना लेता है 30 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, स्पीड बतानी है, तो देखो स्पीड बताने के लिए स्पीड किसके इक्वल होती है डिस्टेंस इनटू टाइम, टाइम तो आपको पता है 10 सेकंड, डिस्टेंस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। देखो आप अपना ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल में आपका जो ये वाला एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये 15, पूरा अगर 30 है तो हाफ कितना होगा 15 का आपका होगा, ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड का आपका पूरा रिलेशन आता है। ये आपका 3400 होगा, तो यहाँ से 10 थीटा लगा दो, 10 थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका कितना है, बेस आपका 3400 है, ठीक है, 10 थीटा 10 15 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है, और पी परपेंडिकुलर आपको निकालना है, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3400√3 आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब कि ये 3400√3 आपका आ गया, ऐसे ये 3400√3 आपका हो जाएगा, इन दोनों को सम कर देते हैं, सम करके 10 से डिवाइड कर देंगे, इसी तरीके से उसने कर रखा होगा, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। हाँ भैया जो हमारी टोटल डिस्टेंस है वो उतना आ जाएगा, √2 की उसने वैल्यू रख दी, तो ये 3400 √2 प्लस का 3400 √2 अपॉन आपका क्या कर दोगे 10 सेकंड, तो सोल्व करके 182.24 मीटर पर सेकंड आपकी वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दोगे, बाकी आपका इस तरीके से मिल देगी कैलकुलेशन पार्ट इस तरीके से आएगा, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो और देखो इसमें क्या होगा। वो कह रहे हैं वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन होती है, डज इट हैव अ लोकेशन इन स्पेस, क्या उसकी लोकेशन भी होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। इट इज कैन इट वेरी विद द टाइम, टाइम के साथ वेरी कर सकती है। विल टू इक्वल वेक्टर्स ए एंड बी एट डिफरेंट लोकेशन इन स्पेस नेसेसरी हैव आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट, गिव एग्जांपल इन सपोर्ट योर आंसर, मतलब उसने काफी चीजें पूछी है। सबसे पहले तो उसने पूछा है जो आपका वेक्टर है उसकी क्या स्पेस में डायरेक्शन होगी, तो नहीं उसकी कोई स्पेस में ऐसी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। फिर उसने बोला था कैन इट वेरी विद टाइम, तो जो आपका मतलब वेक्टर है वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर सकता है, जैसे आपकी कोई बॉडी चल रही है वो मतलब की एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो है तो एक वेक्टर क्वांटिटी, बट वो टाइम के साथ वेरी भी कर रही है ना, उसके टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्म एक्सीलेशन में, तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मतलब कि वो टाइम के साथ वेरी कर सकती है। विल टू इफेक्ट, क्या वो डिफरेंट लोकेशन पर होने के बाद भी आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट सेम कर देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक फोर्स है दूसरा फोर्स है F1 F2, तो अगर इनको ये दोनों सेम है बिल्कुल एक्चुअल वैल्यूज है, मान लो ये भी 50 न्यूटन
इन दिस डायरेक्शन और ये भी 15 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो ये दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि अलग अलग अगर यूज होंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। बट इन दोनों को अगर मैं एक साथ ले आऊंगा तो एक साथ ये इधर लगा हुआ है ये इधर लगा हुआ है तो ये सेम इफेक्ट, अगर ये उसने बोला था ना इक्वल डिफरेंट लोकेशन पर है, डिफरेंट लोकेशन पर है, हैव अ आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट। तो अगर अलग अलग लोकेशन पर है तो अलग करेंगे, अगर उनको साथ लेके मैं आ जाऊंगा दोनों को तो वो सेम आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट को मतलब कि क्या करेंगे, स्पेस लोकेशन इफेक्ट आइडेंटिकल फिजिकल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। मतलब ये आंसर ये थर्ड आपका नो आ जाता है। किस तरीके से वो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर दे, जैसे टू इक्वल वेक्टर लोकेटेड एट द डिफरेंट लोकेशन इन स्पेस नीड नॉट टू प्रोड्यूस द सेम फिजिकल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट प्लेस कैन कॉज द बॉडी टू रोटेट। मतलब कि अगर आपका क्या हो, टू इक्वल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब कि डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी लग रही है, जैसे ये आपकी अगर बॉडी है एक यहाँ से फोर्स लग रही है एक यहाँ से उसकी फोर्स लग रही है तो उसको वो रोटेट करा देंगे। बट देयर कॉम्बिनेशन कैन प्रोड्यूस अ इक्वल टर्निंग इफेक्ट, बट उनका कॉम्बिनेशन अलग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, वो सेम फिजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट उसने बोला है अ वेक्टर हैज अ, ये तो किया था अभी नहीं, ये दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन। अ वेक्टर हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक वेक्टर के डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। डज इट मीन दैट एनीथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेसेसिटी अ वेक्टर, अगर किसी चीज की डायरेक्शन भी और किसी चीज की आपकी बॉडी भी हो, मतलब कि किसी वेक्टर में आपकी डायरेक्शन भी हो किसी चीज में आपका मैग्नीट्यूड भी हो, क्या वो जरूरी में वेक्टर होगा? तो ऐसा नहीं है। जैसे आपका करंट हो गया उसमें कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, उसमें कुछ आपका क्या होता है करंट भी होता है, तो ये आपका मतलब कि जरूरी नहीं है वेक्टर भी होगा। क्लियर पॉइंट? चलो इस तरीके से आपकी चीजें आती है। नेक्स्ट वो पूछता है हमारे से द रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन एंड द एंगल ऑफ द रोटेशन। मतलब कि जो रोटेशन हो रहा है बॉडी में वो डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द एंगल ऑफ रोटेशन उसको स्पेसिफाई कर सकता है। डज दैट मेक एनी रोटेशन अ वेक्टर, मतलब क्या वो रोटेट करेगा वेक्टर को? तो वो ऐसा भी नहीं है, मतलब कि एक्सिस से थोड़ी हमारा कोई रोटेशन होगा या फिर एंगल से। बाकी रीजन देख लेते हैं। जनरली स्पीकिंग द रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है एंड इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, साथ साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो नहीं करता रोटेशन, तो मतलब कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर नहीं बोल सकते। हाउएवर अ रोटेशन बाय अ सर्टेन स्मॉल एंगल फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्मॉल एंगल पे अगर कोई बॉडी कोई हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी रोटेट कर रही है तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, देयरफॉर कंसीडर अ वेक्टर। अगर वो स्मॉल एंगल पर रोटेट करेगा तो वो वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, बट वो अगर लार्ज एंगल पर रोटेट कर रहा है तो वहां पर वो वेक्टर कंसीडर नहीं हो सकता। क्लियर है? मतलब द रोटेशन ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, पॉइंट ये आता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 क्वेश्चन आता है। कैन यू एसोसिएट वेक्टर, वेक्टर को क्या एसोसिएट कर सकते हैं किसी लेंथ ऑफ द वायर से जो कि बेंट इन अ लूप, लूप में आपकी क्या हो रही है मतलब कि बेंट हो रही है, तो ये भी मतलब कि ऐसे हम कोई भी ऐसा कोई हमारा वेक्टर नहीं है जो कि लूप को डिफाइन कर दे। प्लेन एरिया आपको पता है सरफेस वेक्टर आपका होता है, तो सरफेस वेक्टर आपका प्लेन एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। स्फेयर, स्फेयर स्फेरिकल क्या होता है, स्फेरिकल का अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो वहां पर उसके लिए हमारे पास कोई वैक्टर नहीं है। अगर स्फेयर का सर्फेस एरिया निकालोगे तो वो तो सिंपल हमारा सर्फेस वैक्टर ही हो गया, तो मतलब कि फर्स्ट का नहीं होगा, सेकेंड का होगा और थर्ड का नहीं होगा। थर्ड में अगर वो एरिया की बात कर रहा है तो वो आपका होगा। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि वन कैन नॉट एसोसिएट वेक्टर विद द लेंथ, लेंथ के साथ नहीं कर सकते। वन कैन एरिया कर सकते हैं। वन कैन नॉट एसोसिएट वेक्टर विद द वॉल्यूम, वॉल्यूम स्प्रे नहीं कर सकते। हाँ देखो एरिया के साथ कर सकते हैं, बट एरिया के साथ आपका हो सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपका आता है अ बुलेट इज फायर्ड एट द एंगल ऑफ 30 degree विद द हॉरिजॉन्टल टू द हिट द ग्राउंड, मतलब कि एक बुलेट फायर की गई जो कि 30 degree एंगल पर की गई है। आपका ये हो गया और ये आपका कितना हो गया 30 degree आपका एंगल हो गया, ठीक है, और वो 3 kilometer दूर जाके गिरी, ठीक है। एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थोड़ा एडजस्ट करो और देखो कि क्या वो जो ये आपकी जो 5 kilometer ये मतलब कि जो आपकी बंदूक है मतलब गोली है वो 5 kilometer दूर जाके जा सकती है या नहीं। एज्यूम डेट द मजल स्पीड फिक्स है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन अगर सिंपल वर्ड में समझे तो हमने एक गोली चलाई जो कि यहाँ से ये यहाँ पर आपकी 3 kilometer दूर जाके गिरी जो कि हमने 30 degree एंगल पर चलाई। तो उसने कहा कि अगर आप एंगल को थोड़ा बहुत एडजस्ट करो तो क्या वो 5 kilometer दूर जा सकती है? तो मे भी जा सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस 30 degree एंगल को हम दूसरा केस ले लेंगे, हम 30 degree एंगल को क्या कर देंगे 45 degree बना देंगे। तो अगर वो 45 degree में 5 kilometer से ज्यादा कवर कर सकती है, 5 kilometer कर सकती है कवर, तो यस थोड़ा एंगल में एडजस्ट करने से वो 5 kilometer को कवर कर लेगी। लेकिन अगर हमने 45 degree एंगल रखा तब भी वो 5 kilometer की रेंज के अंदर ही गिरी तो उससे ज्यादा और कम एंगल में चेंज नहीं कर सकते ताकि वो
मिनिमम 5 किलोमीटर गिरे जाके, क्योंकि 45 डिग्री में आपकी मैक्सिमम रेंज आएगी, तो 45 डिग्री में अगर वो 5 किलोमीटर कवर कर लेगी तो हो जाएगा, वरना वो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम अपना जो फर्स्ट वाला केस है उसकी हेल्प से हम अपना इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से वो फेंकी गई वो निकाल लेंगे, फिर उस वेलोसिटी को यूज करके 45 डिग्री यहाँ पर एंगल दिया और उसकी रेंज निकाल लेंगे। तो वही हम काम करेंगे, जैसे पहले हमने रेंज का फॉर्मूला यूज करा, वहां से हमने यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकाल ली, फिर हम क्या कर रहे हैं 45 डिग्री के एंगल से आर मैक्सिमम हो जाएगी, तो आर मैक्सिमम हम निकालेंगे। तो आर मैक्सिमम अगर हम 45 डिग्री पे देखें जिस स्पीड से वो फेंक रहा है यू स्पीड से, तो हमारी कितनी बैटरी 3.46 बैट रही है। तो 5 किलोमीटर तो हम किसी भी तरीके से नहीं फेंक सकते अगर हम उसको एंगल को किसी भी चीज पर एडजस्ट करें, क्योंकि मैक्सिमम 45 डिग्री ही जा सकता है, और उसी पर हमने देखा कितना आया 4.46 किलोमीटर आपकी रेंज आई है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट द एल्टीट्यूड, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है कितने एल्टीट्यूड पर, एल्टीट्यूड है 1.5 किलोमीटर, जो कि स्पीड है 720 किलोमीटर पर आर, पासिस डायरेक्टली ओवरहेड ना एंटी गन, मतलब कि उसके नीचे ना मान लो यहां पर एक एंटी गन रखी हुई थी, ठीक है, यहां पर एक गन रखी हुई है, एट वट एंगल, मतलब कि इसको बताना है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया तो आपको बता देता हूँ। जैसे आपका एक प्लेन जा रहा है, ठीक है, ये प्लेन आपका जा रहा है और यहाँ पर आपकी गन रखी है, तो गन किस तरीके से मारी जाएगी, इस तरीके से मारी जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लेन था और स्टार्टिंग में आपका प्लेन यहाँ पर था, ठीक है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिस्टेंस पर था, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर था, और ये 720 किलोमीटर पर आर की 720 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा था, ये आपका प्लेन था, ठीक है, ये आपका प्लेन हो गया। अब उसने बोला है कि ये जो नीचे गन रखी हुई है, ये इसके एक्सिस में, तो ये कितने एंगल डिग्री पर आपका क्या करे, कितने डिग्री पर ये उसको मतलब कि शूट करना चाहिए ताकि प्लेन पर क्या हो जाए, वो जाके निशाना लग जाए, और मजल की जो स्पीड है, मजल की यहाँ पर स्पीड रहेगी 600 मीटर पर सेकंड वो रहेगी। एट वट मिनिमम एल्टीट्यूड में, फिर प्लेन के लिए भी दो चीज़ पूछ रहे हैं, एक तो वो थीटा एंगल पूछ रहे हैं, एट वट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट प्लेन फिर फ्लाई, मतलब कि जो ये मिनिमम मतलब कि इसको ग्राउंड से कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा ये मतलब कि जाए और वापस बिना टकराए उसको नीचे गिर जाए, मतलब कि ये चेंज ना हो, ठीक है, ठीक है, ये उसके चेंज ना हो। तो हमें दो चीज़ें बतानी है, एक तो हमें गन के लिए बताना है कि कितने डिग्री पर उसको शूट करना चाहिए ताकि प्लेन में गोली लग जाए, और दूसरा प्लेन के लिए बताना है कि उसको मिनिमम कितने एल्टीट्यूड पर रहना चाहिए ताकि गोली इस पर टच ना हो, ठीक है। देखो सबसे पहले हम अपने फाइटर प्लेन की स्पीड लिख लेते हैं, फिर अपना फाइटर अपने सबसे पहले हाइट लिख ली, हाइट इतनी थी, स्पीड आपके प्लेन की अपने मीटर पर सेकंड में आपकी इतनी आ जाती है। देखो ये आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल लिए, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा के लिए मैक्सिमम हाइट हमारे पास यू दिया हुआ है, और हमारे पास और वैल्यू क्या दी हुई है, यू दिया हुआ है और हमारे पास हाइट दी हुई है, तो हमें एच पता है, यू पता है, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। तो देखो आपके पास गन की स्पीड आ गई और हम मान लेंगे टी टाइम पर वो उसको कर लें। देखो पॉइंट इस तरीके से आता है, ये तो आई थिंक आपकी समझ में आई गया होगा, ये आपका एक तरह से मान लो यहाँ पर आपका प्लेन है, वो तब तक यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब कि जब तक गन शूट करेंगे टी टाइम पे वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, और उसको इतनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, हमने थीटा डिग्री एंगल पर उसको शूट किया हुआ है। अब देखो क्या आता है, हमने मान लिया टाइम टेकन बाय द शेल टू हिट द प्लेन, मतलब कि जो उसमें से शेल निकलेगी, गोली निकलेगी, वो टी टाइम बाद उसको क्या कर देगी, हिट कर देगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शेल, मतलब कि तब तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी शेल यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो करेगी ux, ux उसकी स्पीड है, और डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो उसकी स्पीड कितनी है ux, और टाइम तो कितना है t। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन, उस टाइम पर मतलब कि जिस टाइम पर गोली निकल के और ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही होगी, तो उस टाइम पर प्लेन भी तो कुछ आगे पहुंच जाएगा, तो प्लेन कितना आगे पहुंच जाएगा, प्लेन इक्वल टू स्पीड इन डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, उसकी स्पीड कितनी है 200 इनटू टाइम मान लेते हैं, वो t लगेगा। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तभी तो जो बंदूक है, गोली है, वो प्लेन पे जाके हिट करेगी, तो इन दोनों को हम क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं, ये दोनों हमने इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद मैंने यहां से क्या निकाल लिया, थीटा की वैल्यू निकाल ली, थीटा मेरे पास ही वैल्यू आ गई, ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि कितने डिग्री पर उसको फायर करना चाहिए। क्लियर है। अब उसने पूछा था कि प्लेन मिनिमम कितनी हाइट पर आपका क्या होना चाहिए, मतलब कि फ्लाई करना चाहिए ताकि वो उस गोली से बच जाए। तो देखो हमें थीटा पता चल गया, तो इतने थीटा पर आपकी इतनी हाइट तक आपका जा रहा है, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, हम अपना हाइट निकाल लेते हैं एक तरीके से, कि जितनी भी हाइट आएगी उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। जैसे हाइट क्या आएगी, हाइट अकॉर्डिंग टू इस वाले थीटा, मतलब कि जो थीटा, जितने थीटा पर जो गोली फायर हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी हाइट कितनी आएगी, वो इतनी आएगी 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर से अगर वो थोड़ा सा भी अबव हाई करेगा, तो वो प्लेन क्या हो जाएगा, उस गोली की मतलब कि चोट से बच जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन
आता है. क्लियर. नेक्स्ट उसने बोला है क्वेश्चन, अ साइकिलिस्ट इज राइडिंग, ये आई थिंक बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट के टाइप का क्वेश्चन है. एक साइकिलिस्ट है जो कि 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा है. अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ द 80, मतलब कि वो ऐसे चलाते चलाते ऐसे सर्कुलर टर्न उसमें था. ठीक है, सर्कुलर टर्न यहाँ पर आ गया और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो आपकी 80 मीटर है. ठीक है, और जो उसकी स्पीड है वो आपकी 27 किलोमीटर पर आर आती है. वो ब्रेक अप्लाई करता है और जो उसकी स्पीड है वो अपनी कितनी हो जाती है, जो उसकी स्पीड है तो 0.50 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो जाती है एवरी सेकेंड. एवरी सेकेंड कॉन्स्टेंट रेट, मतलब कि वो घटती है. तो मतलब ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको एक तरीके से एक्सीलेशन दे रखा है जो साइकिलिस्ट का था. ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सीलेशन. एक्सीलेशन निकालना है तो देखो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखो, यहाँ पर दो एक्सीलेशन लग रहे होंगे. अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक तो उसका जो ब्रेक अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से जो एक्सीलेशन रिटार्डेशन बेसिकली होगा, वो जो कि वो होगा हमारा इसकी वैल्यू के इक्वल होगी. इसको हम मान लेते हैं ए साइकिल ए सी तो हमारा क्या होगा, वो दूसरा तो हमारा निकलेगा जो आपका सेंटीपीटल एक्सीलेशन होगा, वो किसके इक्वल निकलेगा, वो वी स्क्वायर बाय आर होगा. वी कितनी है, वी 27 स्क्वायर बाय आर कितना है, आर मेरा है 80 मीटर. इसको भी फिर 27 वाले को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 27 को पहले मैं मीटर में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो कि कितना आएगा, जो कि डायरेक्ट 7.5 में रख सकता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मेरी क्या आ गई, ये मेरे पास एक्सीलेशन, मतलब कि एक्सीलेशन की वैल्यू आ गई सेंटीपीटल एक्सीलेशन की. और ये मेरे पास, मैं मान लेता हूँ ये ए आर मानूँ या क्या मानूँ, नॉर्मल है ना, ए एन मान लेते हैं, नॉर्मल एक्सीलेशन जो उसका लग रहा है. तो ये दो एक्सीलेशन है, दो एक्सीलेशन लग रहे हैं. अब ये दोनों कितने डिग्री पर लग रहे हैं, एक हमारे पास क्या लगेगा, एक अंदर वाली साइड मतलब सेंटर वाली साइड लगेगा और एक बैक वाली साइड लगेगा जो उसको रोकने का काम करेगा. तो दोनों 90 डिग्री पर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वही हमारा जो वेक्टर लोग वेक्टर करते हैं दोनों को सम करके स्क्वायर कर देंगे. तो 0.7 और 0.5 दोनों को सम करके स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो नेट एक्सीलेशन की वैल्यू है वो ये आ जाएगी. पता चले किस तरीके से आई वो हमारी वैल्यू हमारी, एक सेकेंड, ये हमारी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी. फिर थीटा निकालेंगे, थीटा कैसे होता है, थीटा की वैल्यू होती है हमारी टैन थीटा इज इक्वल टू जो ए सी बाई ए आर, मतलब कि जो वाई एक्सिस पे है और जो एक्स एक्सिस पे है, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वहां से मेरा थीटा की वैल्यू आ जाएगी. इस तरीके से मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आता है. क्लियर, इसी सही क्वेश्चन था. नेक्स्ट उसने बोला शो डेट द प्रोजेक्टाइल, शो डैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस. जो वेलोसिटी है और जो एक्स एक्सिस है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय, मतलब कि आपको ये वाली इक्वेशन शो करनी है. तो ये वाली जैसे मैंने डेरिवेशन सीरीज करा रखी है तो उसमें मैंने ये बता रखा है कि किस तरीके से आपको शो करना है. वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़े मेथड से की हुई है, बाकी देखना चाहो आप एक बार ये देख सकते हो, मैं आपको समझा भी दूंगा. बाकी मैंने आपको इसी मेथड से जो डेरिवेशन सीरीज है हमारी क्लास 12 फिजिक्स की, सारे डेरिवेशन आपको चैप्टर वाइज टाइप वाइज करा रखे हैं, वो आप वहां से जरूर एक बार देख लेना. बाकी मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस तरीके से हमारा एक मतलब कि मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें वी एक्स वी वाई हमारी क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी के, और थीटा एंगल से वो क्या हो रही है, प्रोजेक्टाइल हो रही है. तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो यहाँ से लेके P पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, T टाइम लगेगा. तो यहाँ पर हमें पता है वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई इज इक्वल टू जी टी के इक्वल हमारा होता है. तो इसकी हेल्प से मतलब वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट हम रखेंगे तो यहाँ से हमारी क्या थीटा की वैल्यू आ जाएगी. मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का आपका फॉर्मूला लगाएंगे और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला दोनों लगाएंगे, और दोनों को इक्वेशन में रखने के बाद जब हम सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी. इस तरीके से आपका इक्वेशन होगा, मतलब इसमें आपको बेसिकली सोल्व करके ये वैल्यू लानी दे. तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आते हैं. सो इस तरीके से आपका जो क्लास 11 फिजिक्स का जो आपका चैप्टर आ जाता है मोशन इन अ प्लेन, उसके सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपके इस तरीके से आ जाते हैं. बाकी जो आपकी रिवीजन सीरीज है उसकी वीडियोस भी आपके चैनल पर अपलोडेड है, साथ साथ डेरिवेशन सीरीज अपलोडेड है, साथ साथ जो आपकी न्यूमेरिकल सीरीज है और भी जो थ्योरी और डेरिवेशन वाले पार्ट है वो सब कुछ, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट जो भी हेल्पफुल कंटेंट जो भी आपको रिक्वायर होगा, बिल्कुल एक आपके ओन दी टू दी पॉइंट सारी चीजें और बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट वे में, वो सब कुछ चैनल पर पहले से अपलोडेड है. तो चैनल पर जाके जो वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर जाके आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं. सो ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड ये जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.